हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट द्रव्य, ओके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य, डेफिनेशन ऑफ द्रव्य, इन दिस क्लास वी विल डिस्कस दैट द कंटिन्यू विद दैट। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि द्रव्य गुण कर्म रस वीर विपा की हम कंटिन्यू फ्लो में पढ़ेंगे, ओके। तो द्रव्य ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो यू कैन सी दैट वीडियो ऑफ द्रव्य, द क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य, डेफिनेशन ऑफ द्रव्य, ओके। तो वहाँ पे मैंने कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य क्या होते हैं, कार्य द्रव्य कितने नंबर के होते हैं, कारण द्रव्य कितना होता है, ओके। तो कार्य द्रव्य वहाँ पे मैंने बताया था कि कार्य द्रव्य जो होते हैं असंख्य नंबर के होते हैं, और जो हमारा कारण द्रव्य होता है जो सभी कार्य द्रव्य की उत्पत्ति करता है, ओके। जितने भी नेचर, जितने भी द्रव्य हमारे नेचर में प्रोवाइडेड हैं, जितने भी द्रव्य हमारे यहाँ पे बॉडी, यानी कि बॉडी इट्सेल्फ द्रव्य, ओके। तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल मैनर में वहाँ पे मैंने डिस्कस किया, तो यू कैन सी दैट वीडियो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक यहाँ पे रखा, ओके। तो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस दैट, कंटिन्यू विद दैट गुण टॉपिक, ओके। तो गुण निरूपणम वी विल डिस्कस हियर, ओके। तो हियर फर्स्ट वी डिस्कस दैट द डेफिनेशन ऑफ गुण, ओके। तो दैट इज नथिंग बट डेफिनेशन, गुड़ियते आमंत्रते लोक अने नीति गुड़ा, ओके। तो गुण मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टीज, ओके। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि यत्र आशिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत तद द्रव्यम, ओके। तो द्रव्य उसे हम बोलते हैं जिनके अंदर कर्म और गुण, यानी कि गुण और कर्म, ये समवाय संबंध से एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में, एक पर्टिकुलर पदार्थ में रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं, ओके। अभी द्रव्य के अंदर गुण और कर्म है, ओके। अभी गुण का डेफिनेशन ये है कि गुड़ियते आमंत्रते लोक अन्य नीति गुणा, कि गुण हम उसे बोलेंगे कि जिसके वजह से कोई सब्सटेंस हमें अट्रैक्ट होगा, ओके। तो एग्जांपल अगर ले लो, जैसे को, अगर कोई स्वीट्स है, ओके, तो स्वीट्स रहते हैं, और कंट्रोवर्सी हम एक अनदर एग्जांपल अगर हम वहाँ पे थिंक करें, सच एज जो चिलीज होते हैं, जो मिर्ची होते हैं, ओके। तो आप किसको लाइक करोगे, स्वीट्स को लाइक करोगे और चिली को डिसलाइक करोगे, क्यों, चिली डिसलाइक क्यों हुई, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वो तीक्ष्ण उष्ण गुण का है, और जो हमारा मधुर रस का जो स्वीट है, जो जिन्हें हम मिठाई बोलते हैं, तो उसके टुवर्ड्स आप अट्रैक्ट हो गए, तो क्यों उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट, जो हमारे जो चिलीस हैं उनके टुवर्ड्स अट्रैक्ट आप क्यों नहीं हुए, क्योंकि वो उष्ण तीक्ष्ण गुण के हैं, ओके। तो गुड डिसाइडेड देयर वी हैव टू गो, हम किसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होना है वो गुड डिसाइडेड करता है, यानी कि जिसके वजह से हम किसी भी सब्सटेंस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के टुवर्ड्स वहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, गुड बोलते, ओके। तो गुड़ियते आमंत्रित है लोक अनिति गुड़ा, स्वीट्स के टुवर्ड्स हमने अट्रैक्ट हुआ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स मधुर रस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स स्वीट टेस्ट, ओके। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गुड़ बोलते हैं। तो गुड़ियते आमंत्रित है लोक अनिति गुड़ा, गुड़ जो होता है, प्रॉपर्टी जो होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट द्रव्यों का, द्रव्यों को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने का कारण होता है, ओके। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि गुड़ और कर्म जो रहता है ये दोनों समवाय संबंध से रहते हैं। द्रव्य का डेफिनेशन क्या था, यत्राशिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत तद द्रव्यम, ओके। तो जिनके अंदर गुण और कर्म रहता है, द्रव्य के अंदर आश्रित होते हैं क्या, गुण और कर्म, जो भी क्या होते हैं, समवाय संबंध से, मतलब गुण और कर्म को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वहाँ पे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एक श्लोक आता है, समवाय तु निश्चय चेष्टम, समवाय तु निश्चय चेष्टम, चेष्टा मतलब कर्म, ओके। तो समवाय तु निश्चय चेष्टम, सॉरी, समवाय तु निः चेष्टम कारणम इति गुणा, ओके। चेष्टम मतलब कर्म, ओके। तो गुण जो होता है ये कर्म करने का कारण होता है, मतलब आपने स्वीट खाया, आपने मिठाई ली, ओके। तो मिठाई अल्टीमेटली क्या करेगा, हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या करेगा, जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी धातु हैं, उनको क्या करेगा, बल प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ओके। बलवर्धक होगा वो, ओके। तो अल्टीमेटली स्निग्धता प्रोवाइड करेगा, ऑयलीनेस पूरे बॉडी में वो फैलाएगा, और क्या करेगा, इंद्रियों की, मतलब इंद्रिय जो होती है प्रफुल्लित हो जाते हैं, इंद्रिय जो होते हैं उनको, एक सफेद, अगर आप चिलीज खाओगे वहाँ पे, एक मिर्ची खाओगे, तो होता क्या है कि जितने भी इंद्रिय होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं, ओके। और जब अगर आप वहाँ पे जो स्वीट, यानी कि जो मिठाई, जो मैं बोल रहा हूँ अगेन एंड अगेन, तो उनकी वजह से क्या होते हैं, हमारे पूरे बॉडी में जितने भी इंद्रिय होते हैं उनको पुष्टि मिलती है, पुष्टिकारक हो जाते हैं, मतलब इंद्रिय जो होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वो वहाँ पे वो हैप्पी हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो कर्म करने का, ये जितने भी ये सब काम, मैंने जस्ट अभी एग्जांपल जिसका मैंने लिया स्वीट का, तो स्वीट अल्टीमेटली इतने सारे काम कर रहा है, वो ड्यू टू प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो काम कर रहा है, ड्यू टू इट्स हैविंग द स्निग्ध प्रॉपर्टीज, स्निग्ध गुण, इट हैविंग मधुर रस, ओके। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो अलग अलग द्रव्य हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग काम करते हैं, ओके। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कर्म जो होता है, यानी कि गुड़ अल्टीमेटली कर्म करता है, वो सेपरेट नहीं हो सकता किसी भी पर्टिकुलर द्रव्य से, ओके। तो द्रव्य परफॉर्म देयर फंक्शन बाय द हेल्प ऑफ गुण ओनली, ओके। वही जस्ट मैंने
बताए समवाय तू नी चेष्टा इति कारणम। ओके तो अतः द्रव्य आशिता गेय निर्गुणा निष्क्रिया गुणा। ओके तो जो द्रव्य होते तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि द्रव्य कैन नॉट डू देयर वर्क ओके विदाउट एनी गुणा। ओके अगर वहाँ पे किसी भी द्रव्य में अगर कोई गुण अब्सेंट है ओके तो वो द्रव्य अपना जो पहले की जो एक्टिविटी थी वो अपने एक्टिविटी नहीं कर सकता। ओके तो वही लिखा गया है अतः द्रव्य आशिता गेय निर्गुणा निष्क्रिया गुणा। ओके तो द्रव्य अगर गुणहीन हो गया यानी कि जो गुणवान था पहले यानी कि उसके पहले गुण उसके पास था प्रॉपर्टीज थी लेकिन अभी क्या है वो गुणहीन हो गया यानी कि उसके पास अभी प्रॉपर्टीज नहीं है तो प्रॉपर्टी लेस द्रव्य दैट इज निष्क्रिया गुणा। ओके वो प्रॉपर्टीज जो जिनके पास प्रॉपर्टीज नहीं है वो अपने जो फंक्शन है वो नहीं कर सकते। ओके तो वही जस्ट मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया चित्रक का। चित्रक एक उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य का यानी कि उष्ण तीक्ष्ण गुण का एक द्रव्य होता है। ओके तो जैसे पिपली आप एग्जांपल समझ लीजिए चित्रक जैसे है पिपली है शुंटी है जैसे मैंने जैसे अभी चिल्लीस बताया। ओके तो ये सभी क्या होते हैं उष्ण तीक्ष्ण गुण के एक द्रव्य हैं। तो चित्रक भी इन दैट सेम मैनर उष्ण तीक्ष्ण गुण का एक द्रव्य है जिन्हें हम क्या बोलते हैं प्लम्बागो ज़िलेनिका इसका लैटिन नेम आता। ओके तो वहाँ पे क्या था ये उष्ण तीक्ष्ण गुण की वजह से क्या करता है दीपन कर्म करता है पाचन कर्म करता है देन अगेन वहाँ पे कफ का छेदन करता है यानी कफ को तोड़ता है। ओके तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि दीपन मतलब वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है यानी कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया एक जठर अग्नि होती है जो कि क्या करता है भोजन को पचाने के लिए हेल्पफुल एक फैक्टर होता है। ओके फैक्टर मीन्स भोजन को डाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है। ओके जैसे कि मॉडर्न में आप जानते हो कि गैस्ट्रिक जूसेस रहती है गैस्ट्रिक इंजाइम्स रहते हैं। ओके तो देर इज़ ऑन द अलग अलग फेस पे अलग अलग अपने वहाँ पे सिक्रेशन स्टार्ट होती है हमारे स्टमक में वहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट होती है देन वहाँ पे पेप्सिनोजन सीक्रेट होती है इंटेस्टाइन में वहाँ पे इंटेस्टाइनल जूसेस सीक्रेट होती है इंटेस्टाइनल इंजाइम सीक्रेट होती है तो वहाँ पे माइक्रो लेवल वहाँ पे जो अब्जॉर्प्शन होता है वो वहाँ पे देखा जाता है। तो इन दैट सेम मैनर जो जठर अग्नि हमारे बॉडी के अंदर होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वो क्या करता है ये सभी डाइजेशन करने का जो काम होता है वो करता है। तो दीपन करने का काम करता है यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर जो था उसको बढ़ाने का काम करता है कि वो अपना डाइजेशन जो भोजन का जो डाइजेशन का जो करने का जो तरीका है वो अच्छे से कर सके। तो अल्टीमेटली ये जो तरीका वो कर रहा है ये ड्यू टू उष्ण तीक्ष्ण गुण के वजह से ही कर रहा है वो। तो अगर वो उष्ण तीक्ष्ण गुण वहाँ से निकाल दिया गया या फिर उसमें नहीं है तो चित्रक कैन नॉट डू देयर वर्क ऑफ दीपन कर्म ओके ऑफ छेदन कर्म ऑफ कफ। ओके कफ को वो तोड़ नहीं पाएगा ओके क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण गुण के वजह से ही कोई भी द्रव्य अपने काम करते हैं अपने कर्म करते हैं। ओके तो आपको ये श्लोक याद रखना है समवाय तु निः चेष्टम इति कारणम ओके इति गुणा। ओके तो अल्टीमेट अनलेस वी विल नॉट ईट द द्रव्य तो अतः द्रव्य आशिता गया निर्गुणा निष्क्रिया गुणा। ओके तो द्रव्य के अंदर आश्रित होते हैं गुण और कर्म लेकिन जब तक हम द्रव्य को लेंगे नहीं वो गुण हमें बॉडी में नहीं मिल सकता और अगर कोई द्रव्य गुणहीन है तो द्रव्य लेने का कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। ओके क्योंकि जो गुणहीन वाले जो द्रव्य होते हैं वो वहाँ पे कर्महीन भी हो सकते हैं और कर्महीन रहते हैं। ओके तो नेक्स्ट हम ये साइड पे जाते हैं। ओके तो देर आर टोटल यहाँ पे हम गुणों की संख्या की बात करेंगे कि यहाँ पे यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुण यहाँ पे मैं बात करूँगा। ओके तो प्रियोर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो आचार्य चक्रपाणी थे आचार्य चरक के जो टीकाकार थे जिन्हें हम चक्रपाणी बोलते हो यानी बोलते मीन वो कोई पर्सन थे। ओके तो ये कोई संहिताकार लिखने वाले यानी कि चक्रपाणी थे तो आचार्य चक्रपाणी यानी कि चरक के ही टीकाकार थे। ओके तो चरक के कुछ कंटेंट चक्रपाणी जी ने लिखा है। ओके तो कहने का मतलब यह है कि चक्रपाणी जी ने वहाँ पे 41 गुणों का वहाँ पे वर्गीकरण किया है क्लासीफाई किया है। तो किसके बेसिस पर किया है वो उन्होंने दो बेसिस पर किया है आध्यात्मिक और आदिभौतिक। ओके तो आध्यात्मिक और आदिभौतिक तो आदिभौतिक जो गुण होते हैं वो अगेन वहाँ पे 35 इसके गुण होते हैं और आध्यात्मिक जो गुण होते हैं जिन्हें हम आत्मगुण बोलते हैं। ओके तो यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल। ओके यानी कि जो आत्मगुण जिन्हें हम बोलते हैं बुद्धि के जो गुण होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं आध्यात्मिक गुण। तो आदिभौतिक गुण में मतलब क्या होता है जो जितने भी हमारे शरीर के लिए कौन से गुण अच्छे हैं जो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कौन से हम गुण यूज़ करते हैं। ओके तो ये सब क्या होते हैं आदिभौतिक गुण के अंतर्गत इनको रखा गया है। आध्यात्मिक गुण उन्हें बोलते हैं ओके जैसे कि बुद्धि हो गया सुख दुख हो गया इच्छा द्वेष प्रयत्न तो हम डिस्कस करेंगे इसके फर्दर टाइप्स में इसके डिटेल में। ओके तो आपको प्रियोर मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूँ
कि जो हम 41 जो आचार्य चक्रपाणी जी ने बताया है गुणों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, वो ऑन द बेसिस हम दो तरीके से करते हैं, आदि भौतिक जिन्हें जिनमें 35 गुण यानी कि 35 गुण वहाँ पे समाविष्ट है, और जो आध्यात्मिक गुण है उनमें 6 गुण। ओके, तो सार्थ गुरुवादेव बुद्धि प्रतंता पर्यादय। ओके, तो 41 गुण कौन कौन से हैं उनका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करने के लिए यहाँ पे मैंने श्लोक लिखा हुआ आपके लिए। ओके, तो आप ये देख सकते हो कि सार्था स अर्थ, आपको रीड आउट कैसे करना है, स अर्थ। तो स अर्थ मतलब मैं आपको डिस्कस करूँगा कि इसका मतलब ये होता है वैशेषिक गुण, मतलब जो 5 नंबर के होते हैं वैशेषिक गुण, ये रहते हैं कि विशेष गुण इन्हें बोलते हैं। किनके विशेष गुण, जैसे कि वहाँ पे मैं आपको अगेन वहाँ पे डिस्कस करूँगा, लेकिन प्रियोर आपको क्या होता है, आपको वहाँ पे डिज़ायर होगा कि व्हाट इज़ दैट, तो आगे वहाँ पे वीडियो को फर्दर वहाँ पे आगे बढ़ाते ना देखते वहाँ पे मैंने जस्ट यहाँ पे आपको बता दूँ कि वैशेषिक गुण ये रहते हैं कि उन्हें हम विशेष गुण बोलते हैं, मतलब जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं वो कोई भी चीज़ को परसीव करते हैं, जैसे कि हम आँखों से देखते हैं। ओके, तो हमने आँखों से देखा, पर्टिकुलर जिस सब्सटेंस को देखा हमने उसका कैप्चर हमारे आँखों के अंदर वो रिकॉर्डेड हो जाता है। ओके, तो ये रिकॉर्डेड हो जाता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनका विषय बोलते हैं। ओके, तो जो चक्षु इंद्रिय होती है, आईज जो होते हैं, उनका जो विषय हुआ जिसे हमने देखा वो विषय हुआ। ओके, तो वो जो विषय था वो हमारा क्या था, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो उनमें से जो 5 जो है ये वैशेषिक गुण आते हैं, उनमें से ये क्या था हमारा, ये रूप गुण था, मतलब हमने किसी चीज़ को देखा। ओके, तो आईज जो यानी कि जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनका कॉम्बिनेशन हम किन किन द्रव्यों से करते हैं, वो अलग अलग तरीके से उनके अलग अलग गुण होते हैं। शब्द मतलब कानों से यानी कि श्रोतेंद्रिय से यानी कि श्रोत इंद्रिय से यानी कि जो सेंसरी ऑर्गन जो हमारे ईयर्स हैं उनके थ्रू हमने क्या किया, साउंड को परसीव किया। ओके, तो साउंड को जो परसीव किया इन्हें हम क्या बोलते हैं, शब्द गुण। आँखों से हमने किन्हीं चीज़ों को देखा था वो क्या था, रूप गुण। ओके, देन अगेन वहाँ पे हम घ्राण इंद्र का यूज़ करते हैं यानी कि नोज एज अ सेंसरी ऑर्गन फॉर वहाँ पे परसेप्शन करते हैं, हम किसका परसेप्शन करते हैं, फॉर वहाँ पे जितने भी गंध आते हैं। ओके, मतलब स्मेल का परसेप्शन करते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने किसी भी चीज़ को वहाँ पे स्मेल किया, तो अल्टीमेटली जो स्मेल जो हमने किया वो क्या है, स्मेल यानी गंध है। तो गंध ये एक गुण हुआ किसका, घ्राण इंद्र का गुण हुआ, यानी कि वहाँ पे जितने भी नोज हैं जिन्हें हम घ्राण इंद्र बोलते हैं, ये क्या हुआ, उनका गुण क्या हुआ, रूप गुण हुआ। ओके, सॉरी, वो उनका गुण गंध गुण हुआ। ऐसे टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन हैं, उनके अलग अलग गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो डिस्कस करेंगे हम जब हम वैशेषिक गुण डिस्कस करेंगे। ओके, तो गुरुवादेव मतलब गुरु आदि गुण। ओके, तो गुरु आदि गुण मतलब वहाँ पे 20 गुण होते हैं, गुरु मंद हिमत स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्तर सूक्ष्म विशंति सॉरी सूक्ष्म गुणा विशंति स विपर्य। ओके, तो ऐसा हम टोटल 20 गुण आते हैं, मतलब जो श्लोक में जो मैंने भी जस्ट श्लोक बोला ये टोटल 10 गुण का वहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इसके अपोजिट यानी कि विशंति स विपर्य। ओके, तो डिस्कस करेंगे। तो गुरुवादि गुण मतलब वहाँ पे 20 गुण आते हैं गुरु, और ऐसे फर्दर 19 गुण और आते हैं, यानी कि गुरु आदि गुण यानी कि गुरुवादि गुण। तो सार्था गुरुवादेव, स अर्थ गुरुवादेव, गुरु आदि गुरु आदेहो। ओके, आपको रीड आउट अगर आप अच्छे तरीके से रीड आउट करना है तो स अर्थ गुरु, आपको ब्रेक कैसे करना है, गुरु आदेहो बुद्धि प्रयत्न अंतः, बुद्धि प्रयत्न अंतः मतलब बुद्धि टू प्रयत्न। ओके, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, यानी कि बुद्धि से लेकर प्रयत्न तक ये टोटल 6 गुण होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आत्मगुण बोलते हैं, जिनका समाविष्ट हम यहाँ पे आध्यात्मिक गुण के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ आत्म। ओके, यानी कि आत्म के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आत्मगुण बोलते हैं। ओके, तो डिस्कस करेंगे हम फर्दर। देन पराधेह, पराधेह मतलब परादि, परादि मतलब परादि दैट इज परत्व अपरत्व संख्या संयोग, वहाँ पे फर्दर से टोटल 10 गुण हैं। ओके, तो वो डिस्कस करेंगे हम। तो वही यहाँ पे लिखा गया परादि गुण, तो पर यानी कि परत्व। ओके, तो ऐसे टोटल परत्व से लेकर कंटिन्यू में और भी 9 गुण हैं, उन्हें हमने क्या बोला, परादि गुण। जैसे गुरुवादि गुण गुरु और गुण, ओके गुरु आदि गुण, पर आदि गुण यानी कि परत्व एंड आदि गुण। ओके, तो ऐसे टोटल 10 गुण हैं। तो इन टोटल को मिलाकर हमें जो मिलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, 41 गुण बोलते हैं। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे चक्रपाणी जी ने किया है, और योग रत्नाकर चरक क्लासीफाई इन 3 वेस, वैशेषिक सामान्य एंड आत्मगुण, और एक योगेंद्रनाथ करके एक सब वहाँ पे
कोई आचार्य थे, ओके, मतलब कोई लेखाकार थे, ग्रंथाकार थे, योगेंद्रनाथ या समथिंग ऐसे कुछ नेम था उनका। उन्होंने ऐसे टोटल 42 गुण बताया, मतलब उन्होंने मन को भी एक गुण बता दिया था, ओके। तो दैट इज एक्सेप्शनल केस है, आपको वो याद नहीं रखना है, ओके। तो गुण का क्लासीफाई किस तरीके से किया है वहाँ पे, जस्ट मैं आपको टेबुलर फॉर्म में बता रहा हूँ। तो टोटल गुण जो है हमारे 41 गुण है, जैसे हमने जस्ट श्लोक पढ़ा, श्री स अर्थ गुरुवादेह बुद्धि प्रयत्न अंताः परादेह गुणाः प्रयुक्ता, ओके। तो ये गुणाः प्रयुक्ता मतलब ऐसे गुण बताए गए। तो गुण 41 गुण है, ओके। तो 41 गुण में से आदि भौतिक गुण और आध्यात्मिक गुण, ओके। तो आध्यात्मिक गुण टोटल 16 नंबर के होते हैं, आदि भौतिक गुण जो होते हैं 35 नंबर के होते हैं। 35 प्लस 6 टोटल 41 गुण, ओके। आदि भौतिक गुण जो होते हैं वो दो भागों में डिवाइड होते हैं, वहाँ पे दो भाग सामान्य गुण और वहाँ पे हमने वैशेषिक गुण, ओके। तो टू वे में हमने डिस्कस किया सामान्य गुण जिनमें गुरुवादी गुण और पराधि गुण में, यानी कि सामान्य गुण में हम गुरुवादी गुण और पराधि गुण को रखते हैं, ओके। तो आप ये देख सकते हो, और जो हमारा जो सेकंड है उन्हें हम वैशेषिक गुण बोलते हैं, ओके। तो आदि भौतिक गुण, वैशेषिक गुण और सामान्य गुण, तो किन वे में हम डिफाइन कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको टेबल फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। जो सामान्य गुण है ये दो तरीके से है, गुरुवादी गुण और हमारा पराधि गुण, ओके। तो गुरुवादी गुण मैंने जस्ट बताया वहाँ पे एक श्लोक में, अभी जस्ट आपको यहाँ पे एरो फॉर्म में दिखाता हूँ कि गुरुवादि मतलब वहाँ पे गुरु आदि गुण, यानी कि 20 नंबर्स के जो गुण आते हैं उन्हें हमने क्या बोलते हैं, गुरुवादि गुण बोलते हैं, ओके। तो आप ये वैशेषिक गुण पहले देख लीजिए, ओके। तो हम ये देखते हैं, ओके। वैशेषिक गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध मैंने जो अभी जस्ट बताया कि ये सभी क्या होते हैं, ये सभी इंद्र के अर्थ होते हैं, इंद्र के विषय होते हैं, इंद्र जिसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि अल्टीमेटली ये भी गुण है। इंद्र यानी कि इंद्र जो है ये भी हमारा एक द्रव्य हुआ, ओके। चक्षु इंद्रिय, तो चक्षु इंद्रिय जिसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हुआ वो क्या होगा, वो अल्टीमेटली वो भी गुण होगा, ओके। यानी कि जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस के टूवर्ड हमने अट्रैक्ट किया, ओके। तो घ्राणेन्द्रिय जो नोज से हमारे जिसको परसीव किया, यानी किसी भी स्मेल को जो परसीव किए, किसी भी सब्सटेंस को परसीव किए, तो उसको परसीव किए, तो क्यों परसीव किए, कैसे परसीव किए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स स्मेल, ओके। तो गंध के वजह से हमने उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का परसीव किया कि हाँ भाई ये हमारा सब्सटेंस है, ओके, ये स्वीट है, ये वहाँ पे चिलीज है, या फिर और भी सब्सटेंस जैसे कि अलग अलग हम वहाँ पे वेरी करते हैं बाय स्मेलिंग ऑल्सो, ओके। तो गंध की वजह से हम अलग अलग द्रव्यों का अलग अलग डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, तो ये कैसे हुआ, ड्यू टू प्रॉपर्टीज़ के वजह से हुआ, ओके। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली ये सभी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके मतलब इनके टूवर्ड्स हम अट्रैक्ट होते हैं, इंद्रिय इनके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होती है, यानी कि इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंद्रिय के विषय बोलते हैं, ओके, इंद्रिय अर्थ बोलते हैं, ओके। तो इंद्रिय अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इंद्रिय अर्थ, ओके। तो आप ये देख सकते हो ये जो टोटल यहाँ पे 6 गुण है, ओके। तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे अगर वो श्लोक नहीं लिखा है तो गुरुवादी गुण का, तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ मैं, ओके। तो आध्यात्मिक गुण मतलब 6 गुण, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, बुद्धि प्रयत्न अंताः, ओके। श्लोक रिवाइज करिए आप प्रीवियस स्लाइड का, तो बुद्धि टू प्रयत्न टोटल 6 गुण होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक गुण बोलते हैं, ओके। तो ये जो गुण होते हैं आत्म के गुण होते हैं, जो हमारा बॉडी जो यानी कि सुख दुख को हम यानी कि जो हमें डिज़ायर होती है बॉडी सॉरी जो हमें डिज़ायर होता है वो हमें गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बाय देयर एक्सपीरियंस ऑफ बाय देयर दिस पर्टिकुलर गुण हमें अल्टीमेटली पर्टिकुलर पर्सन की यानी कि वो हैप्पीनेस है या फिर सॉरनेस है या फिर वो उसके कोई वहाँ पे जो द्वेष यानी कि इरिटेशन समथिंग उसके जो गुण हैं वो बाय देयर अपीरेंस बाय देयर जो वो एक्टिविटी करती है, ओके। तो उसके थ्रू हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ओके। तो हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँगा डिटेल में। तो आध्यात्मिक गुण क्या होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आदि भौतिक गुण डिस्कस करते हैं जिन्हें हम 35 नंबर के होते हैं, ओके। तो गुरुवादी गुण और पराधि गुण उन्हें हम टोटल सामान्य गुण बोलते हैं। चक्रपाणि जी ने उन्हें डायरेक्ट बोला कि गुण के 41 के क्लासीफाई होते हैं, तो उन्होंने क्या बोला, गुरुवादी गुण 20 गुण, पराधि 10 गुण, वैशेषिक गुण 5 गुण और आत्मगुण यानी कि जो जिन्हें हम आध्यात्मिक गुण बोल रहे हैं वो ऐसे 6 गुण। तो टोटल उन्होंने 41 गुण बताया। अल्टीमेटली ये जो चरक का क्लासीफाई है उन्होंने भी 41 गुण बताया, लेकिन सामान्य सॉरी गुरुवादी यानी पराधि गुण को उन्होंने सामान्य गुण बोल दिया, ओके। तो अल्टीमेटली दे आर सेम, ओके। तो अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम गुरुवादी गुण, ओके। गुरुवादी गुण मतलब गुरु आदि गुण, ओके। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल हम श्लोक देख लेते हैं, ओके। तो वीडियो अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आप क्वालिटी इंक्रीज करके, आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज करके यू कैन सी दैट श्लोक इन प्रॉपर वे, ओके। तो गुरु मंद हिमस निग्ध, ओके। तो आप ये वहाँ पे अष्टांग हृदय फर्स्ट अध्याय यानी कि फर्स्ट चैप्टर में ये श्लोक आप वहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। तो वहाँ पे भी आप ये श्लोक लिखा हुआ है, ओके। तो गुरु मंद हिमस निग्ध स्लक्षण सांद्र मृदु स्थिर गुड़ाहा स सूक्ष्म विशद विशंति स विपर्यहा, ओके। बहुत ईजी है, अगेन रीड आउट करते हैं। गुरु मंद हिम स्निग्ध, ओके। गुरु गुण, मंद गुण, हिम गुण, स्निग्ध गुण, स्लक्षण गुण, सांद्र गुण, मृदु गुण, स्थिर गुण, ओके। तो सूक्ष्म गुण एंड विशद गुण, तो टोटल जितने मैंने अभी नाम दिए, जितने जस्ट मैंने नेमिंग किया, ये टोटल 10 गुण होते हैं। इनके अपोजिट, ओके, तो यानी कि गुरु का अपोजिट यानी कि हेवी का अपोजिट लाइट यानी कि लघु, ओके। मंद का यानी कि स्लो इन नेचर का जो गुण है यानी कि स्लो यानी कि तीक्ष्ण, ओके। मंद का तीक्ष्ण, हिम यानी कि वहाँ पे जो कोल्ड यानी कि शीत का क्या होगा उष्ण, ओके। देन स्निग्ध यानी कि ऑयली, तो ऑयली का क्या होगा रूक्ष ड्राइनेस, ओके। स्लक्षण मतलब वहाँ पे स्मूथनेस, तो स्मूथनेस का क्या होगा खर, ओके। एक एक गुण को हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ओके, तो डोंट वरी। सांद्र मतलब वहाँ पे सेमी सॉलिड समथिंग कुछ रहता है, ओके, तो वो गुण है, ओके। तो जिनमें सॉलिड और लिक्विड दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड सब्सटेंस बोलते हैं, ओके। तो सांद्र मतलब होता है वहाँ पे सेमी सॉलिड समथिंग एक गुण होता है, तो उसका जो अपोजिट होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, द्रव्य गुण, विलोडन द्रव्य, ओके। देन मृदु मतलब वहाँ पे स्मूथ, ओके, तो वहाँ पे अगेन वहाँ पे खर यानी कि रोपण ऐसे समथिंग कुछ आया है तो मैं डिस्कस करता हूँ, ओके। स्थिर यानी कि स्टेबल, ओके। देन चल गुण, ओके, तो स्थिर यानी कि वहाँ पे एक समथिंग स्टेबल एक शो कर रहा है, और इसका अपोजिट जो होगा चल गुण, ओके, यानी कि कुछ मोबिलिटी है, जिन्हें कुछ मोबिलिटी है, जो कुछ मोबाइल कर रहे हैं, तो एक स्थिर गुण है, एक स्टेबल है और एक स्टेबल नहीं है, यानी कि इनका अपोजिट। सूक्ष्म मतलब वहाँ पे माइनिटनेस, और जो बड़ा यानी कि स्थूल यानी कि बड़ा, ओके, तो सूक्ष्म मतलब छोटा, स्थूल मतलब बड़ा। तो विषद मतलब जो यानी कि विषद का अपोजिट पिच्छिल, तो विषद जो होता है ये स्क्रैपिंग करने का काम करता है, और जो पिच्छिल होता है वो लेपन करने का काम करता है, ओके। तो अल्टीमेटली एक एक गुण के बारे में डिस्कस करेंगे, तो एक और बार रीड आउट करिए। गुरु मंद हिमस्निग्ध स्लक्षण सांद्र मृदु स्थिर गुड़ाहा स सूक्ष्म विशद विशंति स विपर्या, ओके। तो 20 गुण दैट इज कॉल्ड गुरुवादी गुण। तो गुरु मतलब गुरु का अपोजिट लघु, मंद का अपोजिट तीक्ष्ण, शीत का अपोजिट उष्ण, स्निग्ध का अपोजिट वहाँ पे रुक्ष, स्लक्षण का अपोजिट खर, सांद्र मतलब वहाँ पे सेमी सॉलिड मैंने बताया, तो द्रव्य सेमी सॉलिड नहीं हुआ, अल्टीमेटली द्रव्य है, तो सांद्र का अपोजिट द्रव्य। मृदु मतलब कठिन, मृदु का अपोजिट कठिन, एंड स्थिर का यानी चल, ओके, एंड सूक्ष्म मतलब स्थूल, एंड द अल्टीमेटली लास्ट इज कॉल्ड विशद यानी कि पिच्छिल, ओके। तो टोटल देयर इज अ 20 गुण एज पर द गुरुवादी गुण। गुरुवादी गुण मतलब ये रहते हैं कि गुरु आदिगुण, ओके। तो अल्टीमेटली गुरुवादी गुण को हम क्या बोलते हैं, शारीरिक गुण बोलते हैं, ओके। क्यों बोलते हैं इसका नेक्स्ट स्लाइड में आप वहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा, ओके। तो गुरुवादी गुण डिस्कस कर रहे हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज शारीरिक गुण, ओके। शारीरिक गुण इन्हें क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी हम डेली कंज्यूम यानी कि जितने भी हम आहार, ओके, या फिर जो औषध द्रव्य जो हम यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट पर्पज, जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, या फिर एनर्जी पर्पज, जो हम ऑलरेडी मैंने बताया द्रव्य के क्लासिफिकेशन में कि जितने भी हम फूड लेते हैं, जितने भी हम भोजन खाते हैं, भोजन लेते हैं, मील्स लेते हैं, ओके, उनमें क्या होता है, दैट इज़ आहार रस प्रधान, सॉरी आहार द्रव्यम रस प्रधानम द्रव्यम, यानी कि रस प्रधानम आहार रस द्र, ओके, मतलब जिनमें एनर्जी होती है वो आहार द्रव्य होते हैं, और जिनमें वीर्य होते हैं जो वीर्य प्रधानम औषध द्रव्यम। तो अगर आपको वहाँ पे डिस्टर्ब क्रिएट हो रहा है तो वो आपको भूल जाइए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि शारीरिक गुण उन्हें हम बोलते हैं कि हम अपने शरीर के लिए, हम अपने बॉडी के लिए क्या क्या लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, हमारा बॉडी जो है जो कंटिन्यू फ्लो में यानी कि डिसीज़ फ्री जो कंडीशन जो मेंटेन है वो मेंटेन रहे, इसलिए हम क्या करते हैं विटामिन्स की टेबलेट्स लेते हैं, ओके, वहाँ पे अलग अलग दोषों का शमन करने के लिए, ओके। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि बॉडी जो है अल्टीमेटली बॉडी जो हमारा जो आयुर्वेद का जो रूल होता है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, जो यानी कि हमारी जो स्वस्थता यानी कि जो हेल्थ जो है वो बनाए रहे उसका हमें ध्यान रखना है, तो उसका जो ध्यान जो है हम आहार द्रव्य से करते हैं, यानी कि जो हम फूड लेते हैं उसके थ्रू करते हैं। तो बॉडी आहार द्रव्य को इंटेक करता है, बॉडी आहार द्रव्य को लेता है, क्यों लेता है, जितने भी धातु हैं उनकी पुष्टि हो सके, और जितने भी दोष हैं
अगर वो बैलेंस नहीं है, उनका इम्बैलेंस है, तो वो बैलेंस हो सके। तो इसलिए हम ये गुरुवादी गुण यानी कि ये जितने भी औषध द्रव्य जो आहार द्रव्य जो भी हम ले रहे हैं उनके अंदर गुरु गुण, मंद गुण, तीक्ष्ण गुण, देन लघु गुण, ये सभी गुण पाए जाते हैं। दैट्स वाई वी आर कॉल एज अ शारीरिक गुण। ओके, द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी द प्रेजेंट इन फूड एंड मेडिसिन फॉर मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द बॉडी। ओके, एंड द इम्प्रूव धातु मेटाबॉलिज्म। ओके, एंड मेंटेन द त्रिदोष ऑफ द बॉडी। ओके, धातु मेटाबॉलिज्म मीन्स वहाँ पे जैसे कि अगर मैं आप जैसे जानते हो कि सात धातु आयुर्वेद के अंदर बताएंगे सप्त धातु, वी हैव सप्त धातु। ओके, वी हैव सेवन इंपॉर्टेंट टिश्यूज। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु एंड शुक्र धातु। ओके, तो इन धातुओं की पुष्टि करना, इन धातुओं को बल देना, एनर्जी देना किसके थ्रू होता है, फूड के थ्रू होता है। तो अल्टीमेटली ये जो धातु होती हैं इनके पास भी कुछ गुण होते हैं, ये गुण की लैंग्वेज को समझते हैं। ओके, इन्हें गुण की लैंग्वेज आती है। ओके, यानी कि जितने भी धातु होते हैं ये गुण प्राधान्य होते हैं। आपको क्या याद रखना है कि ये फूड जो हमने लिया इनमें कुछ गुण होते हैं जो कि ये जो धातु है, ये जो धातु है जो गुण यानी कि ये इनमें जो प्रॉपर्टीज है जो गुण के लैंग्वेज को समझते हैं, ये इन आहार से वो गुणों को ले लेते हैं और अपने अपने धातु की वृद्धि करते हैं, अपने अपने धातु की पुष्टि करते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इट इम्प्रूव द धातु मेटाबॉलिज्म बाय इनटेक ऑफ फूड बिकॉज इट हैव सम प्रॉपर्टीज, इट हैव सम गुण। ओके, तो एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है, चित्रक हैज हॉट पोटेंसी इंक्रीजेस उष्णता। ओके, तो चंदन हैज कंट्रोल ऑफ हॉट कैरेक्टर और दाह प्रोवाइड शीत गुण इन बॉडी। ओके, यहाँ पे गन्स लिखा हुआ, यू कैन करेक्ट इट, गुण इन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ पित्त दोष इज टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, यू कैन नंबर ऑफ एग्जांपल आर देयर फॉर एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर गुरुवादी गुण के एग्जांपल कि हाउ इट इज अ शारीरिक गुण। ओके, यहाँ पे बताया चित्रक जो हमने औषध द्रव्य में लिया वो उष्णता के लिए यूजफुल होता है। ओके, जस्ट मैंने बताया पाचन दीपन कर्म करता है ये, और क्या करता है वहाँ पे, अगर वहाँ पे सपोज जो कफ जो हमारे बॉडी में जो म्यूकस जो बढ़ जाता है, जो श्वास रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं यानी कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो सिम्टम्स आते हैं सच एस डिस्पनिया हो गई, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ओके, तो शॉर्टनेस इन ब्रीदिंग यानी SOB, तो ये सभी जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं पेशेंट के अंदर, कफ को छेदन करने के लिए, कफ को ख़त्म करने के लिए हम चित्र का यूज़ करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली कफ दोष का प्रकोपक हुआ था, कफ दोष बढ़े हुए थे और चित्र का हमने यूज़ किया, कफ दोष शांत हो गए, कफ दोष का शमन हो गया। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये कि बॉडी के लिए तो वो काम कर रहा है, बॉडी के लिए ही हितकर है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ शारीरिक गुण। ओके, अगेन यहाँ पे दूसरा एग्जांपल चंदन का लिया है, चंदन यू आर फैमिलियर विद दिस ड्रग दैट इज़ कॉल्ड एज सेंटलम एल्बम। ओके, तो जिसका फैमिली आता है सेंटलेसिए। ओके, आपको फैमिली और वहाँ पे लैटिन नेम से कोई याद नहीं रखना है, आपको चंदन याद रखना है। चंदन शीत वीर्य का द्रव्य होता है, तो शीत वीर्य का द्रव्य होता है, ये क्या करेगा, दाह अगर बॉडी में तो चंदन हम क्यों लगाते हैं, ये क्या होता है, ये दाह शमन यानी कि जितने भी बर्निंग संसंजन वाले जो कंडीशन आते हैं यानी कि जहाँ कहीं भी बर्न्स डेवलप हो जाते हैं, जहाँ हम जल जाते हैं, ओके, जहाँ पे बर्न प्रोड्यूस हो जाती है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीज़न। ओके, इट मे बी द साइलेंसर, ड्यू टू द साइलेंसर ड्यूरिंग द राइडिंग ऑफ बाइक्स। ओके, तो वहाँ पे जो बर्न्स डेवलप होती है, तो वहाँ पे कहने का मतलब ये है कि चंदन जो होता है वो शीतता प्रोवाइड करता है यानी कि दाह शामक करता है, तो दाह शामक कर उसने किया। ओके, यानी कि पित्त का शमन किया, तो दाह की एक्टिविटी जो शो होती है उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर लोकेशन में। ओके, तो ड्यू टू दैट पित्तवर्धक, तो अगर वहाँ पे पित्त एग्रीवेटेड हो जाता है, पित्त वहाँ पे बढ़ा हुआ रहता है, तो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर वहाँ पे हमें दाह एक वहाँ पे कंडीशन एक पर्टिकुलर रीजन में स्किन के हमें दिखा देता है। तो चंदन क्या करता है, वो पित्त दोष को क्या करता है, कंट्रोल करता है, पित्त दोष का शमन करता है और वहाँ पे दाह के शामक यानी कि दाह शामक एक्टिविटी को दिखाता है और अल्टीमेटली दाह हमें ख़त्म हो जाती है बॉडी के अंदर से। कहने का मतलब ये है कि जो चंदन था उसने पित्त दोष का शमन कर दिया, तो अल्टीमेटली बॉडी के लिए हितकर द्रव्य है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, गुरुवादी गुण बोलते हैं। अभी ये गुरुवादी गुण आप समझ गए होंगे कि ये जो चंदन था, ये चंदन अपने जो इसने जो दाह वाले जो अल्टीमेटली जो ये जो दाह जो गुण था ये उष्ण गुण के वजह से वहाँ पे फैला हुआ था। ओके, चंदन जो था वो शीत गुण का है। ओके, तो
अल्टीमेटली जो ऊंट्स और जो बर्न्स जो डेवलप हुए थे उनको गुणों की लैंग्वेज आती है, वो गुणों के लैंग्वेज को समझते हैं। तो चंदन उन्हें नहीं चाहिए, चंदन के अंदर जो गुण है वो उन्हें चाहिए। तो चंदन के अंदर जो गुण था, शीत गुण था, वो उसके थ्रू क्या करते हैं, पित्त का शमन कर देते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि गुरुवादी गुण में शीत गुण भी एक कंटेंट है, ओके। तो शीत गुण जो था वो पित्त का शमन कर दिया। चित्र गुण जो था यहाँ पे, चित्र के अंदर जो गुण है, उष्ण तीक्ष्ण गुण है, वो कफ का छेदन किया। कफ का जो गुण है वो वहाँ पे रुक्ष गुण है, ओके। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि अलग अलग जो गुण होते हैं, अलग अलग जो व्याधि होती है, वो गुणों की लैंग्वेज को समझते हैं, और गुण जो होते हैं हम द्रव्यों से गेन करते हैं, ओके। और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, उड़द यानी कि माश बोला गया, यानी कि उड़द की जो दाल होती है, जो जिन्हें शिमी धाने में जो आते हैं, यानी कि पल्सेस की फैमिली, यानी लेग्यूमिनेसी फैमिली, ओके। तो माश यानी उड़द दाल जो होती है वो गुरुता इंड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, ओके। यानी कि गुरुता मीन्स वहाँ पे हैवीनेस इन बॉडी, यानी कि जाड्यता जिन्हें हम बोलते हैं आयुर्वेद में, जाड्यता बोलते हैं, यानी कि गुरुता इन बॉडी। ये कैसे किया इसने, क्योंकि माश जो उड़द दाल है वो गुरु गुण का है, ओके। अल्टीमेटली गुरुवादी गुण का है, ओके। ऐसे वहाँ पे बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि आपने, मैंने एग्जांपल लिया था कि हम स्वीट्स लिए, यानी कि हमने मधुर रस का मिठाई लिया, ओके। तो वो क्या करता है, बॉडी के अंदर स्निग्धता अल्टीमेटली प्रोड्यूस करने वाला है, ओके। यानी कि स्निग्धता कैसे आई बॉडी के अंदर, मार्दवल आता है, यानी कि स्निग्ध का आप डेफिनेशन जब पढ़ोगे तो स्निग्धम क्लेदनम, वहाँ पे लिखा है कि मार्दवम, ओके। मार्दवम मतलब मृदुता, यानी कि जितने भी चैनल्स होते हैं उनमें क्या करता है, मृदुता लाता है, यानी कि वो नरम रहे। कि क्यों नरम रहे भाई, क्या ज़रूरत है इसकी, नरम इसलिए रहे क्योंकि जितने भी चैनल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन जो फ्लो हो रहे हैं, जो हमारे पर्टिकुलर सेल्स के पास जो पहुँच रहे हैं वो न्यूट्रिशन, वो प्रॉपर वे में फैले, जल्दी पहुँचे, प्रॉपर टाइम में पहुँचे, इसलिए उनमें मार्दवता लाना ज़रूरी होता है। तो स्निग्ध गुण ये काम करता है। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि स्निग्ध गुण जो था वो गुरुवादी गुण का कंटेंट है, ओके। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे लघु गुण वाला एग्जांपल आप समझ लीजिए, ओके। सो दैट इज़ नथिंग बट देर इज़ अ नंबर ऑफ एग्जांपल वी हैव फॉर एक्सप्लेनिंग वाई गुरुवादी गुण इज़ कॉल्ड एज़ अ शारीरिक गुण, ओके। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक एक गुण को। लंगने लघु मतलब जो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वृणनम गुरु एक वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी नहीं दिया गया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड, मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो यू कैन हियर दैट पर्टिकुलर वर्ड, ओके। पर्टिकुलर वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं गुरु गुण के लिए, तो वृणनम गुरु, वृणनम मतलब जो वहाँ पे बल देता है, किसको बल देता है, धातुओं को जो बल देता है, यानी कि गुरु मतलब गुरु गुण उन्हें हम बोलते हैं जो पृथ्वी महाभूत के प्रधान द्रव्य होते हैं। पृथ्वी महाभूत उन्हें हम बोलते हैं, हम ऑलरेडी मैंने बताया, ओके। पृथ्वी महाभूत एक, जैसे कि पांच महाभूत होते हैं, पृथ्वी महाभूत, आकाश महाभूत, वायु महाभूत, अग्नि महाभूत और जल महाभूत, उनमें से जिन द्रव्यों में पृथ्वी महाभूत ज़्यादा होगा वो गुरु गुण कहलाते हैं। मतलब स्वीट्स हो गए, जो मैंने जस्ट बताया, स्वीट हो गया हमारा, ओके। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं जिन्हें हम, जैसे कि जस्ट मैंने अभी जस्ट बताया उड़द दाल जो हो गया, ओके। जैसे कि हमारा जो हमारे चावल्स होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, ओके। तो ये सभी क्या होते हैं, अल्टीमेटली गुरु गुण के हैं, ओके। गुरु गुण के मतलब पार्थिव है, इनमें पृथ्वी महाभूत ज़्यादा होती है, तो गुरु गुण उन्हें हम बोलते हैं, गुरु गुण उन्हें हम बोलते हैं जिन द्रव्यों में पार्थिव महाभूत, यानी कि पृथ्वी महाभूत प्रधान द्रव्य में गुरु गुण पाए जाते हैं। और क्या करता है गुरु गुण, गुरु गुण क्या करता है, वो कफ वर्धक होता है, ओके। और क्या करता है वो, जो लघु गुण का जो प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी कि तत्र शीत गुरु स्निग्ध, यानी कि तत्र शीत, वहाँ पे जो लघु गुण यानी कि वात का शमन करता है, यानी कि वातवर्धक जितने भी एक्टिविटीज रहती है, ओके, वो शो करता है। धातु पुष्टि के लिए हमारा गुरु गुण एक्टिविटी करता है, ओके। तो वृणनम गुरु मतलब, वृणनम मतलब जो पुष्टि करता है, जो धातु को बल देता है, वृणनम मतलब आप समझ सकते हो जो वेट, ओके। वृणनम मतलब वेट को जो बढ़ाता है, ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, गुरु गुण बोलते हैं। लंगने लघु मतलब जो लघुता लाता है, बॉडी के अंदर लघुता लाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लंगने लघु। तो लघु गुण के ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, लघु गुण जैसे कि बहुत सारे द्रव्य बताए गए हैं। तो जैसे कि एग्जांपल आप समझ लीजिए, जो कुरकुरेज होते हैं, जो हमारे जो समथिंग जो स्पाइसेस होते हैं, ओके, जो हम यूज़ करते हैं, वो क्या होते हैं, लघु गुण के होते हैं, वो ईजिली डाइजेस्टेबल रहते हैं। तो लंगने लघु मतलब लघु गुण वाले जो ऐसे द्रव्य, लघु गुण वाले ऐसे द्रव्य जो ईजिली डाइजेस्टेबल हो,
वो बॉडी के अंदर लघुता लाए, बॉडी के अंदर हैवीनेस ना लाए, ओके, वो इजीली डाइजेस्टिबल हो और लघुता लाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लघु गुण वाले द्रव्य बोलते हैं। तो लंगने लघु उन्हें हम बोलते हैं, यानी कि अपोजिट टू डैट ऑफ गुरु गुण। ओके, जो हमारा जो नेक्स्ट गुण जो होता है शमने मंदहा। ओके, शमने मंदहा मीन्स दैट इज कॉल्ड एज जो मंद गुण के होते हैं। मंद गुण मतलब जैसे कि एग्जाम्पल इसका लूँ, दैट इज नथिंग बट शमने, किसका शमन करना, शमन मतलब कम करना, किसको कम करना, गति को कम करना, किसके गति को कम करना, जो एजिंग के जो कैरेक्टर जा रहे हैं, मतलब जो बुढ़ापा जो आ रहा है एक यौवन पीढ़ी से, यानी कि जो हमारा जो यंग स्टेज है, यंग एज है, यंग एज से जो हम एडल्ट एज जो है हमारा, वो टूवर्ड्स हम ओल्ड एज में जा रहे हैं, तो इनकी गति को कम करना, इनके गति को जो कम करने की जो पावर होती है वो मंद गुण में होती है, यानी कि शमने मंदहा, यानी कि जिसका वो शमन कर देते हैं। ओके, दोषों का शमन कर देते हैं, बड़े हुए दोष का जो शमन करते हैं वो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर मंद गुण की वजह से होता है। ओके, मंद गुण पर्टिकुलर वो कोई भी द्रव्य में हो सकता है, मतलब जिनका हमें शमन करना है, जैसे चंदन जो एग्जाम्पल दिया मैंने, चंदन गुण जो था वो क्या किया, उसने शमन किया, पित्त का शमन किया, तो ये ड्यू टू दैट पर्टिकुलर मंद गुण की वजह से उसने वहाँ पर उसका शमन किया, यानी कि शमने मंदहा। ओके, शोधने तीक्ष्णा, हाँ शोधने तीक्ष्णा, ये हम संशोधन कर्म के लिए यूज़ करते हैं, मतलब पंचकर्म के थेरेपी में यूज़ करते हैं, मतलब जितने भी ऑपरेटिव थेरेपी आते हैं, वमन विरेचन बस्ती, वहाँ पे निरु बस्ती, आस्थापन बस्ती, शिरु विरेचन एंड नस्य कर्म, तो जितने भी संशोधन कर्म आते हैं उनमें हम क्या करते हैं, शोधने तीक्ष्णा का कर्म करते हैं, मतलब शोधना मतलब बॉडी में बॉडी को प्यूरीफाई करने के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो थेरेपी करते हैं, ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तीक्ष्ण गुण बोलते हैं, यानी कि जैसे कि ब्लड का प्यूरीफाई करना है तो हम क्या करते हैं वहाँ पे तीक्ष्ण गुण ये सभी वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि शोधने तीक्ष्ण, शोधन मतलब जो प्यूरीफाई करने का जो काम होता है, बॉडी का जो प्यूरीफाई करने का जो काम होता है, जो दोषों को जो बाहर निकालने का, जो यानी कि दोषों को बाहर निकाल कर जो उनका शोधन किया जाता है, दोषों का जो शोधन किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, संशोधन कर्म बोलते हैं। तो संशोधन कर्म यानी कि ऑपरेटिव थेरेपी जिन्हें हम बोलते हैं, पंचकर्म में जो आय द्रव्य जो यूज़ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तीक्ष्ण द्रव्य बोलते हैं, उनमें तीक्ष्णता ज़्यादा होती है। ओके, तो तीक्ष्ण द्रव्य, तीक्ष्ण गुण बहुत सारे द्रव्य होते हैं, एग्जांपल पिपली हो गए, वहाँ पे शुंठी हो गई हमारी, ओके, मरीच हो गया, काली मिर्च हो गया, पाइपर लौंगम हो गया हमारा, ओके, तो उन सभी में क्या होता है, वो शोधन कर्म करते हैं। ओके, शोधन मतलब प्यूरीफाई करने का काम करते हैं। स्तंभने हिमः, ओके, यानी कि शीत है स्तंभनम, आप कैसे भी रीड आउट करते हैं, शीत है स्तंभनम, स्तंभन मतलब होता है रोकना, किसको रोकना, ब्लड को रोकना, ब्लड का एक कंटिन्यू फ्लो हो रहा था। ओके, और शीत गुण क्या करते हैं, उन ब्लड को, ब्लड के फ्लो को क्या करते हैं, रोक देते हैं। ओके, तो शीते स्तंभना मतलब जैसे कि इसे एग्जांपल अगर मैं बताऊं, दुर्वा एक एग्जांपल आया। ओके, दुर्वा मतलब जो दूब ग्रास होता है, यानी कि जो वहाँ पे ग्रास की जो फैमिली आती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, दुर्वा बोलते हैं। ओके, तो दुर्वा क्या करता है, ये जितने भी ब्लड जो बाहर आते हैं उनका स्तंभन करता है। ओके, स्तंभन मतलब होता है किन्हीं भी चीज़ को रोकना। ओके, तो ब्लड जैसे कि हमें कहीं ट्रॉमा लग गया है, ओके, ड्यूरिंग वहाँ पे कोई हमें घाव हो गया है तो वहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ब्लड बाहर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली क्या करते हैं, वहाँ पे शीत पदार्थ लगाते हैं। ओके, हम क्या करते हैं वहाँ पे सच एज आइस वहाँ पे लगाते हैं। ओके, तो पार्ट ऑफ आइस लगाते हैं, ड्यू टू दैट क्या होता है, जो ब्लड ऊज आउट हो रहा था, जो ब्लड बाहर निकल रहा था वो रुक गया, यानी कि स्तंभन हो गया। ओके, तो स्तंभन कर्म किया हमने, तो स्तंभन कर्म किसके थ्रू अचीव हुआ, ड्यू टू स्तंभन गुण के वजह से वो अचीव हुआ। ओके, तो समवाय तू निहि चेष्टितम इति गुणा। ओके, इति गुणा आपको ऐसा समझना चाहिए। ओके, स्वेदने उष्णा, हाँ ओके, स्वेदने उष्णा मतलब जो अग्निवर्धक करते हैं, तो स्वेदने उष्णा बॉडी में अंदर जो क्या करते हैं, स्वेदन को इंड्यूस करते हैं, जो स्वेटिंग को इंड्यूस करते हैं, तो उष्ण गुण वाले जो द्रव्य होते हैं, जैसे उष्ण गुण वाले, तीक्ष्ण गुण वाले, ये सभी द्रव्य क्या होते हैं, पित्त का वर्धक करते हैं, यानी कि पित्त को बढ़ाते हैं। ओके, वात का शमन करते हैं, अग्नि बढ़ाते हैं। ओके, तो स्वेद कारक यानी कि स्वेद को बढ़ाने वाले जो होते हैं, स्वेदने उष्णा, ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उष्ण गुण वाले द्रव्य के, यानी कि उष्ण गुण वाले द्रव्य के अंदर उष्ण गुण पाया जाता है। ओके, क्लेदने स्निग्धा, हाँ क्लेदने स्निग्धा मतलब जो कफवर्धक करते हैं, जो बॉडी के अंदर क्लेदन करने का मतलब जो मेटाबॉलिक जो अल्टीमेटली जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है हमारा, क्लेदन यानी कि जिन्हें हम क्लेद बोलते हैं। ओके, तो वो बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्निग्ध गुण बोलते हैं। ओके, तो कफवर्धक होता है ये, और क्या करता है स्निग्ध गुण, स्निग्ध गुण
जस्ट क्लेदन करने का काम करता है, मतलब जो मेटाबॉलिक जो वेस्टेज होते हैं, मतलब स्निग्ध गुण वाले अगर आप फूड खाओगे तो क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने स्तंभन हित बताया था, तो स्तंभन शीत मतलब क्या होता है, वहाँ पे ये मूत्र एक्टिविटी करते हैं, मतलब शीत, मतलब आप शीत ऋतु में, मतलब वहाँ पे विंटर सीजन में आप ये ऑब्जर्व करते रहोगे कि वहाँ पे हमें अगेन एंड अगेन यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि शीत गुण जो होते हैं, बाहर के नेचर में भी शीत गुण था, तो ड्यू टू दैट क्या होता है, हमें वहाँ पे विंटर सीजन में मूत्र घड़ी घड़ी जाना पड़ता है, यानी कि यूरिनेशन के लिए हमें घड़ी घड़ी जाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि शीत जो द्रव्य होते हैं, उन द्रव्यों का अगर हम लेंगे तो क्या करते हैं, मूत्र एक्टिविटी दिखाते हैं, मतलब वो डायबिटिक होते हैं। ओके, तो इन दैट सेम मैंने जो स्निग्ध जो गुण था हमारा, ओके, तो वो क्या करता है, कफ वर्धक बढ़ाता है, यानी कि कफ को बढ़ाता है, और क्या करता है, वात शामक होता है। ओके, वात जो गुण था वो रुक्ष गुण का होता है, तो जो दुबले पतले होते हैं उनके लिए हमें स्निग्ध द्रव्य देना चाहिए, सच एज घी हो गया हमारा, सच एज ऐसे बहुत सारे द्रव्य आते हैं, ऑयल हो गया हमारे। ओके, तो ये सभी क्या होते हैं, स्निग्ध गुण, मतलब ये ऑयलीनेस इनमें कैरेक्टर होता है। ओके, और ये पूरे जो स्तोत्र होते हैं उनमें मार्दवता लाते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया इसके बारे में, शोषणे रुक्षा, हाँ ओके, शोषणे रुक्षा। ओके, तो शोषणे रुक्षा मीन्स जो वहाँ पे जिनका वो शोषण करते हैं, जिनको वो सोखते हैं, मतलब अब्जॉर्ब करते हैं। ओके, अब्जॉर्ब करने का मतलब क्या, जैसे कि आपने किसी भी अगर कोई ऐसा आपको घाव हुआ है जिनमें से समथिंग कुछ निकल रहा है, समथिंग कुछ निकल रहा है मीन्स ऊज आउट हो रहा है, जैसे कि हम उसे क्या बोलते हैं, पुय स्त्राव बोलते हैं आयुर्वेद के लैंग्वेज में, पुय स्त्राव, मतलब जैसे कुष्ठ व्याधि। ओके, जैसे आप लेप्रेसी कंडीशन आप जानते रहोगे, ओके, जिन्हें हम कुष्ठ व्याधि बोलते हैं, तो कुष्ठ व्याधि में आप सभी जानते हो वहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर लेजन से, पर्टिकुलर स्किन लेजन से, पेशेंट के जो स्किन लेजन जो रहती है वहाँ से क्या होता है, एक पर्टिकुलर मटेरियल ऊज आउट होता है, पर्टिकुलर मटेरियल बाहर निकलता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पुय स्त्राव बोलते हैं। ओके, तो वो बहुत ही गंदा स्मेल आता है उसका। ओके, तो उनको अब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से पाउडर लगाते हैं। ओके, पाउडर मीन्स वहाँ पे हम किन्हीं भी हर्बल ड्रग्स का चूर्ण भी लगाते हैं या फिर हम पाउडर लगाते हैं, एक्चुअली आप पाउडर लगाते रहोगे। ओके, तो एग्जांपल मैं देता हूँ आपकी, उसे आप अंडरस्टैंड कर सको। तो सोचने है रुक्षा मतलब जिनके पास एब्जॉर्ब करने की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सोचने है रुक्षा, यानी कि उन्हें हम रुक्ष गुण बोलते हैं। ओके, तो एब्जॉर्बिंग द पाउडर ये रुक्षगुण की वजह से हुआ। ओके, और क्या होता है, जैसे कि अतिसार व्याधि आपने सुना ही होगा, डायरिया जिसे हम बोलते हैं, तो डायरिया में क्या होता है, जो वाटर जो लॉस हो रहा था वो उसको अभी क्या करना है, उसको अब्जॉर्ब करना है। ओके, कि ये ज़्यादा लॉस ना हो, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है, डिहाइड्रेशन कंडीशन अगर हो गई तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी अल्टीमेटली अपनी एक्टिविटी तो दिखाई गई, बॉडी अल्टीमेटली वो जो रिक्वायरमेंट है वो तो उसके रिक्वायरमेंट के लिए, उसकी आपूर्ति के लिए क्या करेगा, जितने भी धातुज होते हैं उनमें से वो स्नेह अंश को, मतलब उनके जो सार होते हैं, धातुओं के जो सार होते हैं, धातुओं के जो अच्छे जो माल होते हैं, यानी कि अच्छे जो उनमें जो कंटेंट होते हैं वो उनको निकाल देता है, और वो क्या करता है, टिश्यूज़ को देता है कि ले अभी तो एनर्जी इससे ले, क्यों, अभी एनर्जी तो बाहर से नहीं मिल रही है, क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पे, अतिसार कंडीशन हो रही है, और जो अतिसार कंडीशन में फ्लूइड लॉस हो रहा है, और फ्लूइड की वजह से बॉडी को एनर्जी मिल रही थी, तो होता क्या कि बॉडी अल्टीमेटली सभी धातुओं से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देता है, और वहाँ पे धातु क्षय हमें देखने को मिलता है। तो अतिसार व्याधि में हम क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, शोषणे रुक्षा ये गुण का यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं वहाँ पे अतिसार को रोकने के लिए, जो लॉस हो रहा था फ्लूइड को उनको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, रुक्ष गुण वाले द्रव्य लेते हैं, सच एज कूटज हो गया हमारा। ओके, कूटज मतलब एक द्रव्य होता है, औषध द्रव्य होता है। ओके, जैसे बिल्व हो गया हमारा, बिल्व बेल, आपने नाम तो सुने होगा बेल। ओके, वहाँ पे उसका कुछ लैटिन नेम आता है। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि जो बिल्व होता है, जो बेल होता है, वो अतिसार में यूज़ करता है। तो बेल जो है इनमें कुछ रुक्ष गुण है, जो अतिसार का वहाँ पे उसने उसको रोक दिया, और वहाँ पे क्या हुआ, एक्सेस जो लॉस हो रहा था उसको रुक गया हो। रोपणे लक्षण, हाँ रोपणे मतलब जो स्मूथ, यानी कि किसी भी समथिंग को लाने के लिए क्या होता है, रोपणे लक्षण। तो जो अगेन मैंने यहाँ पे सोचने अगेन एंड अगेन माइंड में एक एग्जांपल आते जा रहे थे, वहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको कि क्लेदने स्निग्धा और सोचने रुक्षा ये दोनों अपोजिट गुण होंगे। ओके, जो हमें म्यूकस जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग कफिंग, ओके, तो ड्यूरिंग कफिंग जो म्यूकस जो प्रोड्यूस होता है, तो अगेन एंड अगेन बाय कफिंग क्या होता है, हमारे पूरे एनर्जी लॉस हो जाती है, और जो हमारा जो ट्रैकिया होता है, जो ब्रोंकाइज होते हैं, उसमें रुक्षता प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, स्निग्ध वाले जो फूड होते हैं उसके थ्रू क्या करते हैं,
पूरे जो ट्रैकिया होता है पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम क्या करते हैं वहाँ पे स्निग्धता लाते हैं, यानी कि पूरे जो ट्रैकिया जो था वो रुक्ष, यानी कि रुक्ष गुण जहाँ पे बढ़ गया था, ड्राइनेस जो बढ़ गया था उनमें हम स्निग्ध गुण की वजह से क्या करते हैं वो ड्राइनेस को शमन कर देते हैं उसका। ओके, तो ये एग्जाम्पल वहाँ पे हम बता दिया मैंने। ओके, रोपण ही शिक्षा मतलब वहाँ पे जो रोपण करने का काम करता है, रोपण मतलब जो स्मूथनेस करने का जो काम करता है, स्लक्षण मतलब होता है स्मूथ, तो जो किसी भी वुंड्स को जो हील करने का जो काम करता है वो स्लक्षण गुण के वजह से दिखाई देता है, और रोपण मतलब होता है हील करना। ओके, तो किसी भी वुंड्स को हील करना वो इस गुण की वजह से देखने को मिलता है। ओके, लिखने है खरा, ओके लिखने है खरा, तो जो स्क्रैपिंग जो करने का काम करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, खर गुण बोलते हैं। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं, खर गुण। तो स्क्रैपिंग करने का जो काम हमें बॉडी के अंदर दिखता है, कफ के अंदर जो बड़ा हुआ रहता है उसको निकालने का जो काम होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, खर गुण बोलते हैं। वो हमें किसके थ्रू अचीव होता है, ड्यू टू खर गुण। ओके, तो अगेन एंड अगेन वी हैव टू फास्ट मेमोरी में जाना चाहिए, दैट इज प्रसादने सांद्रा, प्रसादने सांद्र मतलब जो सेमी सर्जरी के रहते हैं, सांद्र मतलब जो वहाँ पे जो यहाँ पे आप विलोडन द्रव्य देख रहे हो बॉडी के अंदर द्रव्य की क्वांटिटी को कम करना प्रसादने सांद्र, और जो हमें जो चाहिए मीन्स जो जितने भी टिश्यूज होते हैं जितने भी इंद्रिय होते हैं उनको क्या चाहिए, उनकी एनर्जी चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनको उनका एनर्जी सोर्स चाहिए। तो प्रसादने सांद्र मतलब प्रसादने मतलब प्रफुल्लित कर देना, आनंदमय कर देना, किसको, सभी इंद्रियों को। तो ये जो गुण होते हैं इन वाले द्रव्यों को यानी सांद्र गुण वाले द्रव्यों को वो क्या करते हैं, प्रसादन करते हैं। ओके, सभी इंद्रियों की पुष्टि करते हैं। विलोडने द्रव्य, विलोडने द्रव्य मतलब अगर बॉडी के अंदर यूरिन क्वांटिटी यूरिन फॉर्मेशन कम बन रही है तो हमें द्रव्य गुण वाले द्रव्य यूज़ करना चाहिए, सच एस जल, सच एस वाटर, सच एस वहाँ पे आपको मैंगो जूस पियो या फिर वहाँ पे जो ऑरेंज जूस आते हैं। तो कहने का मतलब है आपके अल्टीमेटली आपको वहाँ पे द्रव्य सोर्स आपको इंटरनली लेना है जो अल्टीमेटली क्या करें, लोडन करें मतलब बढ़ाए, द्रव्य की क्वांटिटी को बढ़ाए और आपको यूरिनेशन प्रॉपर हो। स्लथने मृदु, अगेन वहाँ पे जो रोपणे स्लक्षण था हमारा वही यहाँ पे इसका टाइप है। ओके, तो यहाँ पे जो हम देखेंगे, ओके दृढ़ने स्थिरा, ओके तो यहाँ पे जो अगेन यहाँ पे एक एग्जाम्पल माइंड में क्लियर हुआ कि स्तंभने हिमा, ओके और जो यहाँ पे सोक्षणे रुक्षा जो मैं बताया था, तो रुक्ष जो गुण होते हैं वो क्या करते हैं, स्तंभन करने का काम करते हैं। स्तंभन करने का काम मतलब स्तंभन तो ये भी कर रहा था, शीत गुण भी स्तंभन करने का काम करता, शीत गुण भी वहाँ पे क्या कर रहा था, अतिसार को रोक रहा था। तो दोनों में दोनों गुण वाले द्रव्य हम क्या करते हैं, अतिसार व्याधि में यूज़ करते हैं, स्तंभन वाला भी काम करते हैं और रुक्ष गुण वाला भी यूज़ करते हैं। तो आपको क्रिएट वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि सोचने रुक्षा स्तंभने हिमा ये दोनों अलग अलग कैसे हुए। ओके, तो दृढ़ने कठिना, दृढ़ने मतलब जो हैवी इन वेट होते हैं, जो दृढ़ मतलब बॉडी को स्टेबल करे। ओके, तो बॉडी को स्टेबल करे, बॉडी में एनर्जी दे, तो वही कठिन गुण वाले जो द्रव्य आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, दृढ़ देते हैं। ओके, स्लेथने मृदु मतलब अगेन वहाँ पे स्मूथनेस इंड्यूस करे। ओके, धारणे स्थिरा मतलब जो सभी धातुओं की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उनको प्रॉपर वे में मिले और उनका धारण हो, वो लॉस ना हो, जैसे अतिसार में लॉस हो रहा था। ओके, तो धारणे स्थिरा। ओके, तो जो हम स्तंभने हिमा जैसे मैंने बताया था कि बेल का जूस हम पीते हैं तो उसमें रुक्ष गुण भी रहता है, उसमें शीत गुण भी रहता है, तो दोनों की वजह से क्या करता है, वो स्तंभन की एक्टिविटी करता है। तो कंटिन्यू हम चलते हैं अपने गुण की यानी कि गुरुवादी गुण में। धारणे स्थिरा मतलब जो जितने भी धारण के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, ओके धारण कौन से, जो फ्लूइड को जो है वो धारण रख सके, वो बॉडी के थ्रू लॉस ना हो, उनका धारण रखे। प्रेरणे चलाहा, प्रेरणे चला मीन्स चल गुण। ओके, तो चल गुण मतलब अगर हमें जैसे कि यानी कि जो पैरालाइज हो जाते हैं हम, ओके तो उनमें क्या होता है, चल गुण कम हो जाता है, तो उन दैट पर्टिकुलर कंडीशन में हमें क्या करना है, चल गुण वाले द्रव्य यानी जिनमें चल गुण ज़्यादा हो। ओके, तो प्रेरणे चलाहा मतलब वहाँ पे मूवमेंट को इंड्यूस कर सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, चल गुण वाले द्रव्य बोलते हैं। विवरण सूक्ष्म, हाँ यानी कि ऐसे द्रव्य लेना है आपको कि वो सूक्ष्म लेवल पे काम करें, मतलब विवरण सूक्ष्म। ओके, तो माइनेट लेवल पे काम करें, सभी धातुओं पर जाकर उसकी क्लिंजिंग करें, यानी कि माइनेट जो स्रोत होते हैं सजेस्ट मनोवय स्रोत पर जाकर वो अपना काम करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विवरण सूक्ष्म। तो विवरण मतलब फैलाना, कि कहाँ कहाँ फैलाना, सभी सूक्ष्म स्रोत में फैलाना, मतलब चैलेंज में फैलाना। ओके, स्मॉल चैलेंज में फैलाना, क्या फैलाना,
गुण को फैलाना है। ओके, तो सूक्ष्म गुण क्या करता है, सभी न्यूट्रिशन को फैलाता है, सभी यानी कि अभी सपोज यू हैव टेकन सम मेडिसिन, ओके, तो जैसे कि ये मरीच, आप फैमिलियर हो गए इस वर्ड से, मरीच, काली मिर्च जिसे हम बोलते हैं, तो ये क्या करता है, मनोवय स्रोतस में जाता है, ये सूक्ष्म लेवल पे अपनी एक्टिविटी दिखाता है, यानी कि वहाँ पे अगर कोई स्क्रैपिंग करने का काम है, वहाँ पे अगर कोई दोष एक्यूमुलेशन है, तो उनको निकालने का काम ये ड्यू टू पर्टिकुलर सूक्ष्म के वजह से ही दिखाता है। विवरणे सूक्ष्म, ओके, संवरणे स्थूला, हाँ ओके, स्थूला मतलब वहाँ पे जो फैटी की आप जानते रहोगे, यानी कि जो मोटापा जिन्हें हम बोलते हैं, संवरणे यानी कि इनको कम करना, यानी कि इनको बढ़ाना, ये स्थूल प्रॉपर्टीज होते हैं, इनको जो कम करता है वो वहाँ पे अलग अलग थेरेपीज हम यूज़ करते हैं, अपतर्पण जिन्हें हम थेरेपी बोलते हैं, तो वो क्या होता है, उसकी वजह से जो मोटापा जो एक कंडीशन थी वो कम होता है। ओके, तो संवरणे स्थूला यानी कि संवरण मतलब बनाए रखना, स्थूल को बनाए रखना, ये टू पर्टिकुलर स्थूल गुण, तो स्थूल गुण बहुत सारे द्रव्य के पास रहते हैं, सच एज एग्जाम्पल, वेल नोन एग्जाम्पल दैट इज कॉल्ड एज मिठाई, दैट इज कॉल्ड स्वीट्स, ओके, पार्थिव द्रव्य जितने भी आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्थूल द्रव्य बोलते हैं। छालने विषदाह, छालने विषदाह मतलब जैसे मैंने भी बताया था, स्क्रैपिंग करने का जो काम होता है। ओके, तो यहाँ पे सर्वगुण एक दैट इज नथिंग बट वहाँ पे सर्वगुण एक नहीं आया है, तो प्रणय चला मतलब वहाँ पे एक जस्ट मैंने बताया था, प्रणय चला मतलब चल को एक सर्वगुण भी बोलते हैं। ओके, तो जो मूव करा सके किसी भी चीज़ को, जो मूव करा सके उन्हें हम चल गुण के अंतर्गत रखते हैं, मूवमेंट, कोई भी चीज़ को मूवमेंट दे सके उन्हें हम क्या बोलते हैं, चल गुण वाला द्रव्य बोलते हैं। ओके, और क्या है, सचेस आप जानते रहोगे कि वहाँ पे फ्लूडिटी हमें बहुत सारे कंडीशन आती है, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, सडनली हमें क्या होता है, जो ब्लड होता है, जो पास, जो उसकी जो कंडीशन होती है, ब्लड कंटिन्यू फ्लो हो सके, वो कभी कभी क्या होता है, रुक जाता है, उनमें क्या होता है, विस्कोसिटी आ जाती है, तो उनमें वो कंटिन्यू फ्लो हो सके, कंटिन्यू अपने जो वे जो गति कर रहे थे वो कंटिन्यू रहे, तो उन वाले कंडीशन में हमें क्या करना रहता है, चल गुण वाले द्रव्य हमें लेना पड़ता है। ओके, प्रेरणे चला उन्हें हम बोलते हैं। ओके, देने के लास्ट इसको छालने विषदा मतलब किन्हीं को, किन्हीं सब्सटेंस जो भी इंटरनली वेसल्स में जो चिपक गए हैं, जो वहाँ पे जो बैठ गए हैं, और क्या करते हैं, लूमेन को कम कर देते हैं, उसकी वजह से लूमेन जो कम हो जाती है, और जो सेल्स होते हैं वहाँ पे इश्चिमिया, इन्फेक्शन, और वहाँ पे ऐसे भी कंडीशन देखने को मिलते हैं, मतलब सेल डाई हो जाता है, क्यों, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं फ्लो होता है, क्योंकि इंटरनली कुछ वहाँ पे लेयर डेवलप हो जाते हैं, तो मतलब उनको जो निकालने का काम करता है वो, उनको हम क्या बोलते हैं, छालन कर्म, यानी कि धोना, यानी कि वॉश आउट करना, किनको, जो चिपक गए हैं, जो वेसल्स में जो लगे हुए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, छालने विषदाह। लेपने पिछला, लेपने पिछला मतलब जो लेपन करने का काम करते हैं, जो एक गुण है जो कंटिन्यूटली उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है, एक गुण क्या है, बढ़ा रहा है। ओके, तो जितने भी मैदे वाले जो मतलब जितने मैदा होते हैं, जो चने वाले यानी कि चने हो गए, तो इनका जो वहाँ पे फ्लोर आता है उनका देने के वहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है कि लेपने पिछला जो पिष्टमय पदार्थ जितने आते हैं वो लेपन करने का काम करते हैं, वो क्या करते हैं वहाँ पे कंटिन्यूसली एक लेयर कंटिन्यू फॉर्म करते रहते हैं। तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर गुरुवादी गुण, एक शॉर्ट में एक चार्ट मैंने यहाँ पे लिखा बनाया। ओके, तो गुरु ब्रणनम इम्प्रूव स्टाउटनेस यानी कि दुबले पतले को रिमूव करता है, लघु यानी कि लंघन लाइटनेस इन बॉडी क्रिएट करता है, शीत जो होता है स्तंभन यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन जो ब्लड जो लॉस हो रहा था उसको रोकना। ओके, ये शीत गुण में दिखाई देता है। उष्ण गुण क्या करता है, बॉडी के अंदर फोमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, स्वेदन कर्म के लिए यूज़ करते हैं उष्ण गुण। स्निग्ध गुण जो था बॉडी के अंदर मार्दवता लाने के लिए हमने यूज़ किया। ओके, तो स्नेहन प्रोवाइड करता है यानी कि बॉडी के अंदर क्या करता है, स्नेहन प्रोवाइड करता है, बॉडी के अंदर मार्दवता लाता है, बॉडी के अंदर क्या करता है, जितने भी धातुस होते हैं उनमें बल प्रोवाइड करता है यानी कि उनको एनर्जी देता है। रुक्ष गुण क्या करता है, ड्राइनेस क्रिएट करता है। ओके, तो जितने भी आप ऋतु जानते रहोगे, शीत ऋतु में क्या होता है, ड्राइनेस बढ़ जाता है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, तो ड्राइनेस क्रिएट करने वाले जो द्रव्य होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रुक्ष गुण बोलते हैं। ओके, तो अपोजिट जो होते हैं हम क्या करते हैं, वैसलीन जो हम प्रोवाइड जो हम अप्लाई करते हैं लोकली, तो लोकली अप्लीकेशन ऑफ वैसलीन जो हम यूज़ करते हैं शीत ऋतु में वहाँ पे विंटर सीजन में टू इरेडिकेट द पर्टिकुलर ड्राइनेस कैरेक्टर। तो रुक्ष गुण वाले क्या करते हैं, ड्राइनेस हमें बॉडी के अंदर दिखाते हैं, वातवर्धक होते हैं लेकिन कफ शामक होते हैं। ओके, मंद यानी शमन मंदा,
हमें जितने जो एजिंग जो सॉरी एजिंग के जो कैरेक्टर हैं उनका शमन हो सके, दोष जो फैले हुए हैं उनका शमन हो सके, इसलिए हम मंद गुण वाले द्रव्य लेते हैं। ओके, तीक्ष्ण तीक्ष्ण शोधने तीक्ष्ण, ओके, विच क्लींस द बॉडी। ओके, तो दैट इज कॉल्ड शोधने तीक्ष्ण, मतलब जितने भी ऑपरेटिव थेरापी आते हैं, जिन्हें जितने भी पंचकर्म वाले जो प्रोसीजर आते हैं उनमें हम तीक्ष्ण गुण वाले द्रव्य लेते हैं। ओके, तो जो शोधन करने का काम करता है, जो बॉडी में क्लींजिंग करने का काम करता है। ओके, बॉडी में जितने भी जो वेस्ट है, जो समथिंग नॉन रिक्वायर मटेरियल है, जितने भी फ्लो हो रहे हैं ब्लड के साथ, उनको प्यूरीफाई कर सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, शोधन गुण वाले द्रव्य बोलते हैं। ओके, तो वो तीक्ष्ण गुण वाले काम करता है। स्थिर मतलब धारण करने का काम करता है, धारणा मतलब जो फ्लो हो रहा था, जो लॉस हो रहा था उनका धारणा बन सके। सर मतलब प्रेरण, प्रेरण मतलब जो फ्लूडिटी जो लॉस मतलब फ्लूड जो लॉस सॉरी जो फ्लूड जो मूव नहीं कर पा रहे थे, जो मोबाइल नहीं था, यानी कि जिनको कुछ मूवमेंट नहीं थी उनको कुछ मूवमेंट मिल सके। ओके, मृदु गुण स्लथने मृदु, लूजनेस इन बॉडी। ओके, बॉडी को लूज करता है, बॉडी में जो शिथिलता जो इंड्यूस करने का जो काम करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मृदु गुण वाले द्रव्य बोलते हैं। कठिन गुण, ओके, तो वहाँ पे कठिन गुण वाले मैंने जैसे भी बताया दृढ़ कठिन, ओके, तो जो दृढ़ करने का काम करते हैं, मतलब वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जो स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं। पिछल गुण मतलब लेपन करने का काम करते हैं, विच्छेद छालन करने में धोने का काम करता है, और लेपन करने का काम पिछल गुण करते हैं। संलक्षण रोपण करने का काम करता है, मतलब किसी भी ऊंस को वो हील करता है। ओके, खर मतलब लेखन है, ओके, लेखन मतलब स्क्रैपिंग। ओके, वहाँ पे देन स्टूल, यहाँ पे स्टूल बताया तो स्थूल संवरण स्थूला है। ओके, तो वहाँ पे जो सभी धातु की जो कंडीशन है वो मेंटेन हो सके, और वहाँ पे संवरण स्थूला मतलब जो मोटापा जो था वो हमारा, यानी कि अल्टीमेटली जो एनर्जी है हमारे पास वो लॉस ना हो। ओके, संवरण स्थूला यानी कि वो मेंटेन रहे। सूक्ष्म विवरण यानी कि विवरण सूक्ष्म है। ओके, सभी सूक्ष्म धातु सॉरी सूक्ष्म स्त्रोतस में सूक्ष्म चैनल में अपना जाकर वो पूरे जो बैठे हुए जो वेस्ट है जो जो फ्लो हो रहे वेस्ट उनको क्लींस करे, उनको ठीक करे, उनको व्यवस्थित कर दे। ओके, विवरण सूक्ष्म। सांद्र प्रसादने यानी कि जितने भी इंद्रिय हैं उनका सांद्र करे, उनको उनकी पुष्टि करे। ओके, द्रव्य यानी कि विलोड़ने द्रव्य, यानी कि अगर कोई क्वांटिटी में समथिंग कुछ कम है। ओके, क्या क्वांटिटी में कम है, समथिंग यूरिन कम है। ओके, तो द्रव्य की क्वांटिटी को बढ़ाना उन्हें हम क्या बोलते हैं, विलोड़ने द्रव्य। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग आवर होल वी डिस्कस दैट गुरुवादि गुण, गुरु आदिगुण दैट इज कॉल्ड गुरुवादि गुण, गुरु मंद हिमस्निग्ध स्लक्षण सांद्र मृदु स्थिर गुणा स सूक्ष्म विशद विशंति स विपर्या। ओके, तो टोटल 20 गुण आर डिस्क्राइब इन गुरुवादि गुण। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट परादि गुण दैट इज कॉल्ड एज 10 गुण। ओके, तो परादि गुण में 10 गुणों का वहाँ पे इनमें रहते हैं, इनमें पाए जाते हैं। ओके, तो वो क्या, वो कौन से गुण है वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम श्लोक देख लेते हैं उसका। ओके, तो देर आर 10 गुण मैंने जस्ट बताया कि 10 गुण इनके अंदर रहते हैं। ये 10 गुणों को कौन से गुण पाए जाते हैं उनको बताने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए श्लोक लिखा है। तो परत्व अपरत्व युक्तिश्च संख्या संयोग एव च विभागस्य पृथकत्व परिणामम अथापि च संस्कारो अभ्यास इतिव गुणा सॉरी गुणा गेया परादय। मतलब परत्व अपरत्व संख्या संयोग एव च। ओके, तो परत्व एक गुण, अपरत्व दूसरा, युक्ति थर्ड, संख्या फोर्थ, संयोग फिफ्थ, विभाग सिक्स्थ। ओके, देन पृथकत्व पृथकत्व जिन्हें हम सेवेंथ गुण, परिणाम मतलब रिजल्ट। ओके, परिमाण मतलब क्वांटिटी, परिणाम मतलब रिजल्ट। ओके, संस्कार मतलब वहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं। ओके, संस्कार मतलब डिफरेंट डिफरेंट हम ट्रांसफॉर्मेशन जो करते हैं। अभ्यास मतलब दैट इज़ नथिंग बट जो हम एक श्लोक आया कि शीलनम सतत सॉरी अभ्यास शीलनम सतत क्रिया अभ्यास हो, यानी कि जिनका शीलन करें, जिनका अभ्यास करना है। अभ्यास करना है मीन्स जिनका हमें रेगुलरली यूज़ करना है। ओके, इति एव गुणा गेया पराधेय। गेया मतलब आपको समझना है कि ये 10 गुण हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पराधि गुण बोलते हैं। परत्व अपरत्व युक्तिश्य सॉरी परत्व अपरत्व युक्तिश्य संख्या संयोग एव च विभागस्य पृथकत्व परिणामम अथापि च संस्कारो अभ्यास इति एव गुणा गेया पराधेय। ओके, तो आप देख सकते हो पराधि गुण 10 ही नंबर, परत्व अपरत्व युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथकत्व परिणाम देन संस्कार एंड
अभ्यास। ओके तो एक एक गुण के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो परत्व श्लोक क्या है कि परत्व के बारे में, परत्वम प्रधानत्वम, मतलब जो हमारे लिए यूजफुल है वो अगर हम लेते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, परत्व गुण। तो पराधि गुण इन्हें हम क्या बोलते हैं, चिकित्सा उपयोगी गुण बोलते हैं। जो ट्रीटमेंट के लिए जो यूजफुल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट बेसिस गुण, यानी कि ट्रीटमेंट बेस जो प्रॉपर्टीज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पराधि गुण बोलते हैं। ओके तो परत्व मतलब परत्वम प्रधानत्वम, यानी कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो हमको लेना चाहिए, यानी कि जो हमारे लिए प्रधान है, परत्वम प्रधानत्वम। सच एस वात का शमन करने के लिए हमें मधुर अम्ल लवण वाले रस, यानी कि मधुर अम्ल लवण रस वाले द्रव्य लेना चाहिए। हमें वहाँ पे कटु तिक्त कषाय, यानी कि तीखे कसैले और जो कड़वे हैं ये रस को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वातवर्धक हो जाएगा। ओके तो वात शामक एक्टिविटी हमें लाने के लिए हम क्या करते हैं, बॉडी में मधुर अम्ल लवण वाले द्रव्य लेते हैं। तो अगर हम ये लेते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, परत्व गुण बोलते हैं, मतलब हमारे बॉडी के लिए ये परत्व गुण है। ओके तो ये अल्टीमेटली कहने का मतलब ये चिकित्सा उपयोगी गुण है। तो हम अल्टीमेटली हमने मधुर अम्ल लवण क्यों लिया, क्योंकि ये परत्व गुण है, परत्व गुण के बेसिस पर हमने ये मधुर अम्ल लवण लिया। ओके तो अल्टीमेटली ये भी एक गुण है। ओके अपरत्वम अप्रधानत्वम, मतलब जिसके हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, जो हमें नहीं लेना चाहिए था वो हमने लिया, मतलब कटु तिक्त कषाय हमने लिया, तो इनको हम क्या बोलेंगे, अपरत्वम अप्रधानत्वम, मतलब जो नॉन रिक्वायरमेंट था वो हमने ले लिया। ओके दाह शमन करने के लिए हमें पित्त शमक वाले द्रव्य चाहिए थे, लेकिन हमने पित्त वर्धक वाले द्रव्य ले लिए, वो क्या करेगा, दाह को और दाह के जो कंडीशन है उसको और एग्रीवेट कर देगा, उसको और बढ़ा देगा। युक्ति मतलब क्या होता है, युक्ति मतलब ट्रिक, यू ऑल नो दैट युक्तिश योजना यम तो युज्यते, मतलब युक्ति हम कहाँ पे फॉलो करते हैं, जैसे कि आप एस यू ऑल नो दैट जीपी जो प्रैक्टिस होते हैं, जनरल प्रैक्टिसर जो होते हैं। ओके तो इट मे बी द मॉडर्न प्रैक्टिसर, इट मे बी द आयुर्वेदिक प्रैक्टिसर, अभी उस पर्टिकुलर जो प्रैक्टिसर में जो पर्टिकुलर जो वहाँ पे जो डॉक्टर जो वहाँ पे सीटेड है पर्टिकुलर वहाँ पे क्लिनिक में, उसको क्या होता है, उसको नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर मेडिसिन की इसको नॉलेज होती है। ओके लेकिन इसको अगर ट्रिक का नॉलेज नहीं है, मतलब युक्ति ये जो गुण है ट्रीटमेंट का, जो चिकित्सा उपयोगी जो ये गुण है ट्रीटमेंट के लिए जो उपयोगी वाला जो गुण है, उसको वही नहीं मालूम है। जैसे कि सच एज जो हम मेडिसिन जो हमने लिया, मेडिसिन कितना लेना है, तो एक श्लोक एक समथिंग चरक ने वहाँ पे एक श्लोक आया है, मात्रा काल आश्रय युक्ति, वहाँ पे एक समथिंग फर्दर एक श्लोक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मात्रा और काल, कब मेडिसिन लेना है और कितना लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हमें मेडिसिन के बारे में मालूम है, हमें कौन से द्रव्य लेना है, कौन से मेडिसिन लेना है इन दिस पर्टिकुलर डिसीज, इन दिस पर्टिकुलर रोग, लेकिन कैसे लेना है एंड वहाँ पे कब देना है, कितना देना है, अनटिल एंड अनलेस वी डोंट नो, तो दैट इज़ नॉट मैटर कि हमें वो पर्टिकुलर मेडिसिन मालूम है। ओके वो कोई मतलब नहीं है। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए चरक ने एक श्लोक लिखा है, मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्ति प्रतिष्ठिता, मतलब मात्रा काल आश्रय युक्ति, मतलब युक्ति हम उन्हें बोलेंगे जो मात्रा और काल पर डिपेंडेंट है, मतलब मात्रा और काल को अल्टीमेटली हमें युक्ति बोलना है। तो मात्रा मतलब क्वांटिटी, काल मतलब टाइम पीरियड, मात्रा क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, काल मतलब टाइम पीरियड ऑफ मेडिसिन, व्हेन वी हैव टू गिव द मेडिसिन एंड हाउ मच वी हैव टू गिव द मेडिसिन, दैट इज कॉल्ड द मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्ति प्रतिष्ठिता, मतलब सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है अपने व्याधि को, यानी कि अपने पेशेंट को, उनके यानी किसी भी पेशेंट में उन जो व्याधि जो है उनमें ठीक करने की हमें सिद्धि मिलती है। सिद्धि ही युक्ति प्रतिष्ठिता तिष्ठित ऊपरी युक्ति गो, तिष्ठित ऊपरी युक्ति गो, किसके ऊपर युक्ति बलवान है, किसके ऊपर युक्ति श्रेष्ठ है, तिष्ठित ऊपरी युक्ति गो द्रव ज्ञान है वताम सदा, मतलब हमें मेडिसिन का अगर नॉलेज है उससे ऊपर हमें युक्ति का नॉलेज होना चाहिए। अगर युक्ति का नॉलेज अगर नहीं है तो मेडिसिन में जो बैठे हुए जो लोग रहते हैं, दैट इज़ अननेसेसरी, दे आर सीटेड फॉर द अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर जस्ट इंक्रीज देयर इकोनॉमिक वैल्यू फॉर अर्निंग पॉइंट, दे आर वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। ओके क्योंकि उनको जो मेन नॉलेज है पर्टिकुलर जो ट्रिक उन्हें मालूम होना चाहिए मात्रा और काल की, वो नहीं है। तो मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्ति और प्रतिष्ठिता तिष्ठित ऊपरी युक्ति को द्रव्य ज्ञान वताम सदा। ओके तो
युक्ति का श्लोक अगेन मैंने बताया कि युक्ति से योजना यम तो युजते, मतलब जहाँ पे हम कोई योजना बनाते हैं, जहाँ पे हम कोई एक प्लान बनाते हैं, तो प्लानिंग किया हुआ जो जो तरीका होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, युक्ति बोलते हैं। ओके, तो ये भी क्या है, चिकित्सा उपयोगी गुण है। ओके, संख्या स्याद गणितम। ओके, अभी जैसे मैंने बताया संख्या स्याद गणितम मतलब एक पर्टिकुलर प्रैक्टिशनर को ये पता होना चाहिए कि कितना मेडिसिन लेना है यानी क्वांटिटी। ओके, कितने बार लेना है, तो कितने बार लेना है यहाँ पे मतलब संख्या, यानी कि ट्रीटमेंट के लिए ही तो ये पर्टिकुलर गुण यूज़ हो रहे हैं। ओके, संख्या से ज़्यादा गणितम। ओके, तो गणितम मतलब नंबर हम यहाँ पे काउंट करेंगे, कितने बार लेना है पर्टिकुलर मेडिसिन, कितने दिन तक लेना है। ओके, तो संख्या से ज़्यादा गणितम उन्हें हम बोलते हैं। संयोग और विभाग, ये दोनों आपस में वहाँ पे कंबाइन वाले ये दोनों गुण होते हैं, मतलब संख्या मतलब होता है, सॉरी संयोग मतलब ये रहता है कि जो कॉजिटिव फैक्टर थे किसी भी व्याधि को प्रोड्यूस करने के लिए, एक निदान यानी कि एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है पर्टिकुलर डिसीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, ये आपको सभी को मालूम है। तो उसका संयोग जब हमारे बॉडी के साथ हो जाता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, संयोग बोलते हैं। संयोग से क्या होता है, व्याधि की निर्मिति होती है। विभाग उन्हें हम बोलते हैं कि जो पर्टिकुलर कारण की वजह से हमें पर्टिकुलर व्याधि हुई थी, अगर वो बाहर निकल गए, बाहर किसकी वजह से निकलेंगे, शारीरिक गुण की वजह से निकलेंगे, जो गुरुवादी गुण में हमने डिस्कस किया। ओके, तो उन गुणों की वजह से क्या हुआ, अगर वो बाहर निकल गए, वो पर्टिकुलर जो कारण था वो बाहर निकल गए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कारण से हमारे जो शरीर था उनका वियोग हो गया, वो निकल गए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उनका विभाग हो गया। ओके, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, विभाग बोलेंगे। ओके, तो ये सभी गुण जो होते हैं बहुत ही यूजफुल गुण होते हैं हमारे बॉडीज़ के लिए। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड एज संयोग और विभाग, मतलब संयोग जो होता है ये व्याधि की निर्मिति करता है, और जो विभाग जो गुण होता है वो व्याधि की वहाँ पे इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी से वहाँ पे क्या हुआ, व्याधि निकल गई। ओके, पृथकोत्तम मतलब होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब पृथकोत्तम मतलब ऐसे बहुत सारे व्याधि होते हैं जिनमें सेम सिम्टम्स हमें दिखा देते हैं लेकिन हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। एग्जांपल अगर मैं दूं आपको कि आप प्रमेह व्याधि तो सुने ही रहोगे, यू हियर समथिंग दैट रिगार्डिंग आवर प्रमेह व्याधि जिसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, वहाँ पे एक डिफरेंट डायबिटीज़ मेंशन किया गया है आयुर्वेद के अंदर। ओके, तो प्रमेह व्याधि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया अपने चैनल में। तो प्रमेह व्याधि ऐसी रहती है कि वहाँ पे अलग अलग कंडीशन रहती है, कि ये अलग अलग स्टेजेस बताए गए कि वहाँ पे, ये तो सभी को मालूम है कि पोलीयूरिया होता है। ओके, पोलीयूरिया कंडीशन दैट इज कॉल्ड डायबिटीज़। ओके, एज पर द मॉडर्न, लेकिन आयुर्वेद में अंदर ये बताया गया कि डिफरेंट जो कलर आते हैं यूरिन के वो वहाँ पे वेरी हो सकते हैं। ओके, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें मालूम होना चाहिए। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सपोज प्रमेह व्याधि में जो यूरिन का जो कलर होता है वो येल्लो कलर का है। ओके, तो प्रमेह व्याधि में येल्लो कलर का जो कलर होता है वो पित्तज प्रमेह का टाइप हो सकता है, लेकिन ऐसा हमें देखने को मिला है कि रक्त पित्त जो व्याधि होती है उसमें भी येलो कलर के वहाँ पे जो यूरिन होते हैं वो वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। येलो कलर मतलब नॉर्मली येलो कलर ही निकलता है लेकिन डार्क येलो कलर। ओके, तो कामला व्याधि जहाँ पे जॉइंटिस होती है वहाँ पे भी येलो कलर निकलता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि येलो आप वहाँ पे डिफरेंशिएट आपको करने आना चाहिए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको करने आना चाहिए कि वहाँ पे कौन सी व्याधि हो सकती है। ओके, देन परिणाम मतलब वहाँ पे परिणामम पुनर्मानम। ओके, मान मतलब वहाँ पे मेज़र करना है कि व्याधि हमारी कितनी हील हो रही है, कितना नहीं हील हो रहा है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये चिकित्सा उपयोगी गुण है। पराधी गुण को हम क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टीज़। ओके, ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन्हें हम चिकित्सा उपयोगी गुण बोलते हैं। संस्कार मतलब ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब किन्हीं भी ट्रांसफॉर्मेशन, आप बहुत ही वेल नोन ये पर्टिकुलर शब्द वहाँ पे यूज पर्टिकुलर वर्ड है। ओके, तो संस्कारो ही नाम गुणांतर धानम उच्चते। ओके, मतलब जहाँ पे गुणांतर यानी कि जहाँ पे गुणों में बदलाव देखने को मिलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं। ओके, तो संस्कारो ही नाम गुणांतर धानम उच्चते, मतलब हमने दूध जो लाया था मार्केट से वो हैवी गुण का था, उसमें हैवी गुण थे, उसमें गुरु गुण था तो लघु गुण में कन्वर्ट हो गया जब हमने उसको गैस या वहाँ पे जो बर्नर है उसके थ्रू हमने उसको पका दिया, उसको थोड़ा सा उबाल दिया, उसको क्या किया हमने, बॉईल कर दिया, तो उसमें लघुता इंड्यूस हो गई थी, मतलब गुरु से लघु में कन्वर्ट हो गया। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, संस्कार की वजह से हुआ, ड्यू टू अग्नि वहाँ पे क्या हुई, अग्नि संस्कार की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे गुरु टू लघु में कन्वर्ट हो गया, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है. ओके, तो जो दही हम मथते हैं, तो बाय ट्रिचुरेटिंग बाय मर्दिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर दही, जो कर्ड होते हैं उनसे मक्खन निकल जाता है. तो मर्दन संस्कार यहाँ पे होता है फॉर गेनिंग ऑफ आवर, वहाँ पे जो मक्खन जो हमें निकल रहा है उसको प्राप्त करने के लिए वहाँ पे मथने की जो संस्कार होती है वो यहाँ पे संस्कार गुण में यूज हुआ है. अभ्यास मतलब शीलनम सतत क्रियाम अभ्यास, मतलब जिनका हमें रेगुलरली यूज़ करना है. किनका रेगुलरली हम यूज़ करते हैं? जो हम फूड खाते आ रहे हैं, नित्य आहार द्रव्य, अनित्य आहार द्रव्य, शीलनम सतत क्रिया, मतलब जिनका हमें रेगुलरली फॉलो करना है. जो पाथ जो आयुर्वेद में बताए गए हैं, जो दिनचर्या फॉलो करने बोली गई है, जो ऋतुचर्या फॉलो करने बोली गई है, वो हमें फॉलो करना है. दिनचर्या उठने के बाद आपको 4 o'clock दैट इज़ अ ब्राह्मण मुहूर्त आपको उठना है. ओके, देन वहाँ पे जो भी कंटिन्यूसली वेग उत्सर्ग बताया गया है, देन वहाँ पे मल उत्सर्ग बताया गया है, यानी कि सुबह उठने के बाद आपको मल निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यू हैव टू गो फॉर डीफिकेशन. ओके, मल निकालने के लिए आपको जाना है. देन वहाँ पे बताया गया कि आपको आने के बाद वहाँ पे क्या करना है, अभ्यंग करना है, व्यायाम करना है, देन उद्वर्तन करना है, देन वहाँ पे आपको स्नान, देन आफ्टर दैट दिस पर्टिकुलर थिंग, आफ्टर दैट आपको स्नान करना है. ओके, स्नान करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज बताई गई है, वो एक्टिविटी आपको करनी है. ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अभ्यास, जो अच्छे एक्टिविटीज़ है, जो अच्छे अच्छे काम होते हैं, उनका आपको अभ्यास करना है. शीलनम सतत क्रिया, शीलनम मतलब इनका आपको रेगुलरली यूज़ करना है. ओके, तो पर्यादि गुण मतलब ट्रीटमेंट गुण, और कॉल एज अ चिकित्सा उपयोगी गुण, यूज इन द ट्रीटमेंट पर्पस, परफॉर्म षडकर्म. षडकर्म मतलब आप ये देख सकते हो, वृणनम स्नेहनम स्तंभनम. संतर्पण एक कर्म होती है, तो ये हमें जो अचीव होती है ये वृणनम स्नेहन और स्तंभन कर्म से अचीव होती है. मतलब हमें अगर किसी दुबले पतले व्यक्ति को, कृष्ण व्यक्ति को, अगर हमें स्थूल बनाना है, मोटा बनाना है उसे, तो हम ये सब ट्रीटमेंट देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संतर्पण ट्रीटमेंट देते हैं. तो वृणनम स्नेहन देते हैं उसको. ओके, मतलब ये सभी एक ट्रीटमेंट है. ओके, तो शॉर्ट में बता दूं कि स्तंभन मतलब ये होता है कि हम वहाँ पे ऐसे सब्सटेंस देते हैं जो बॉडी में स्टिफनेस लाए, बॉडी में उसको स्थिरता लाए. ओके, स्नेहन हम क्या करते हैं, बॉडी में ऐसे सब्सटेंस उसको बोलते हैं लेने के लिए कि जिस पर्टिकुलर मेडिसिन में, जिस पर्टिकुलर आहार द्रव्य में क्या हो, स्निग्ध गुण का हो, यानी कि ऑयली फूड हम उसको खाने बोलते हैं. वृणना मतलब जो सभी धातुओं की पुष्टि करे, तो ये संतर्पण होता है. दूसरी ट्रीटमेंट ऐसी रहती है कि अपतर्पण व्याधि, जहाँ पे हम अभी स्थूल व्यक्ति को, मोटे व्यक्ति से हम कृष में कन्वर्ट कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपतर्पण बोलते हैं, जो कि हमें 3 चीज़ से अचीव होती है, लंघन, रुक्षण एंड स्वेदन. ओके, तो इन चीज़ों से हमें क्या होता है, अपतर्पण ट्रीटमेंट अचीव होती है. तो कहने का मतलब यह है कि संतर्पण एंड अपतर्पण जो ट्रीटमेंट है, ये पराधि गुण की वजह से ही होता है कि कितना हमें लेना है, कौन से लेना है. ओके, परिमाणम पुनर्मानम. ओके, ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, इसका मान करना है, मेज़र करना है. ओके, या फिर कितने दोष हमारे बॉडी के अंदर बढ़ गए हैं. परिमाण आप ऐसे भी समझ सके, दोषों की अंशांश कल्पना, मतलब वातावर्धक तो बढ़ा हुआ है लेकिन कितना अंश तक बढ़ा हुआ है, ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ज़्यादा गुण उसके, यानी कि वातावर्धक जो बढ़ता है, ये हम कोई वायु तो नहीं है कि वायु अल्टीमेटली बॉडी के अंदर बढ़ गया, नो. वातावर्धक मीन्स इसके जो प्रॉपर्टीज़ बताए गए हैं, तत्र रुक्ष लघु शीत बहु. ओके, मतलब रुक्ष लघु ये सभी जो गुण हैं कितना बॉडी में बढ़ गया है, इनका मेजर करना. दोषों की अंशांश कल्पना यानी परिमाणम पुनर्मानम, इनका मेजर करना, उन्हें को हम क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं. यानी कि अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि पराधि गुण का जो चिकित्सा उपयोगी गुण बोलते हैं उन्हें. ओके, गुण इज नॉट एक्शन, इट्स प्रॉपर्टीज यूज इन द ट्रीटमेंट पर्पज. ओके, तो सामान्य विशेष सिद्धांत तो आपको यहाँ बता दूँ, आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम लेके जाएंगे, लेकिन वेट, सामान्य विशेष सिद्धांत मतलब यह रहता है कि वहाँ पे सर्वदा सर्वभावानाम, वहाँ पे एक समथिंग श्लोक आता है कि सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणम हाश हेतु विशेषत्व प्रवृत्ति उभश्यतु. मतलब सामान्य विशेष सिद्धांत की वजह से हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं. मतलब एक अलग से सामान्य विशेष सिद्धांत मैंने अपने अकाउंट में डाला है. ओके, तो वहाँ पे वीडियो मैंने बनाया उसके ऊपर, तो ऑलरेडी मैंने वो वीडियो को पोस्ट किया, ऑलरेडी मैंने उसको अपलोड किया है, यू कैन सी दैट वीडियो बाय सर्चिंग दैट सामान्य विशेष सिद्धांत. तो सामान्य विशेष सिद्धांत में वही रहता है कि विशेष मतलब होता है कि वहाँ पे हम अपोजिट ट्रीटमेंट देते हैं, और सामान्य मतलब वहाँ पे सेम ट्रीटमेंट देते हैं. तो दोनों के ट्रीटमेंट से हमें क्या होता है, हमें दोषों की जो इम्बैलेंस जो हुआ रहता है वो
आपको अगर डिटेल चाहिए तो यू कैन गो दैट पर्टिकुलर वीडियो, ओके। तो वहाँ पे क्या होती है, पर्टिकुलर सामान्य विजय सिद्धांत से क्या होता है, जो दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, ओके। जो हमारा जो नेक्स्ट जो गुण होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैशेषिक गुण बोलते हैं, ओके। वैशेषिक गुण मतलब क्वालिटीज ऑफ सेंसेस, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। तो ऑलरेडी मैंने इसका मीनिंग आपको बता ही दिया है, तो लेट्स अगेन आप बता दूँ कि शब्द गुण जो होता है ये श्रोतेंद्र का गुण है, मतलब यू ऑल वेरी फैमिलियर विद दैट वी हैव फाइव सेंसरी ऑर्गन्स, ईयर्स, आईज, टंग्स, जो नोज होती है और जो स्किन है। तो स्किन इज द लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ आउट ऑफ फाइव, ओके। तो वी हैव फाइव सेंसरी ऑर्गन, यानी कि जो हम इंद्रिय बोलते हैं, ओके। तो सेंसरी ऑर्गन्स, अब ये इंद्रिय क्या करने के लिए इंद्रिय बनी हुई हैं, जो हमारे जो ईयर्स बने हुए हैं, जो हमारे जो श्रोत इंद्रिय हैं वो क्या करेंगे कि जो किन्ही, यानी कि जो कोई साउंड्स बाहर से जो आने वाले हैं वो उनको क्या करेंगे, उनको सुनते हैं, उनको हियर करते हैं, यानी कि श्रोत इंद्रिय जो था वो अट्रैक्ट हुआ टूवर्ड्स देयर साउंड, यानी कि जो श्रोत इंद्रिय यानी कि जो हमारे जो ईयर है वो किसको परसीव कर रहे हैं, वो किसको ग्रहण कर रहे हैं, एक शब्द को, एक साउंड को ग्रहण कर रहे हैं। तो जो शब्द है वो एक इंद्रिय अर्थ है, वो एक अर्थ है, एक विशेष गुण है ऑफ दैट पर्टिकुलर श्रोत इंद्रिय, यानी कि जो सेंसरी ऑर्गन, यानी कि जो ईयर के सेंसरी ऑर्गन का विशेष गुण है जिन्हें हम शब्द बोलेंगे। स्पर्श गुण ये ऐसा गुण है जो टच गुण इंडिकेट करता है, मतलब जो स्किन जो है, स्किन अल्टीमेटली हमारे स्किन में अल्टीमेटली हमें कोई स्टिमुलाई कैसे प्रोड्यूस होता है, हम कोई उसको टच करते हैं, ओके। तो बाय टचिंग हमें वहाँ पे एक स्टिमुलाई मिलता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि टच, ये जो अर्थ है, ये जो विषय है, ये जो विशेष गुण है और पर्टिकुलर स्किन का, ओके, जहाँ पे स्किन की वजह से हम पर्टिकुलर सब्सटेंस, पर्टिकुलर थिंग को अटैच करते हैं, वह टच करते हैं, ओके। तो वहाँ पे जो स्किन जो लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन्स सॉरी जो है, तो स्किन जो होता है वो स्पर्श ग्राही होता है, वो स्पर्श को ग्रहण करता है, ओके। तो स्पर्श जो है ये उसकी एक्टिविटी होती है, ये स्पर्श जो है उसका अर्थ होता है, उसका विषय होता है, वो उसको ग्रहण करता है। तो उसके लिए स्पर्श इंद्र का, यानी कि स्किन के लिए जो उसका विशेष गुण है वो स्पर्श गुण है। रूप गुण जो है ये चक्षु इंद्र का रूप गुण विशेष गुण है। सपोज मैंने आँख से जो भी कोई संस्कृत देखा, ओके, आप अभी रिसेंटली आप अपने आँखों से जो वीडियो देख रहे हो, तो कनेक्शन बिटवीन योर वीडियो एंड योर आई, दैट इज कॉल एज, वहाँ पे द वट योर आईज इज सीइंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। आप वो वीडियो देख रहे हो, आप मेरी वीडियोज देख रहे हो, ओके। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वीडियो आप देख रहे हो, तो जो आईज पर्टिकुलर आपका जो कंसंट्रेशन है, जो ग्रहण कर रहे हैं आपके जो आईज, जो आपको परसीव कर रहे हैं, तो क्या परसीव कर रहे हैं, रूप को ग्रहण कर रहे हैं, रूप को वो परसीव कर रहे हैं, यानी कि जो वहाँ पे वीडियो में जो दिख रहा है उनको वो ग्रहण कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अपीयरेंस को ग्रहण करना जो है उसको एज इट इज लेना, तो वे से भी क्या करते हैं, रूप, ये चक्षु इंद्रिय का विशेष गुण है कि ये इनको वो ग्रहण करें, ओके। रस गुण है जो स्पर्शेंद्रिय जो रसेंद्रिय जिन्हें हम बोलते हैं, यानी कि जिन्हें टंग आते हैं, टंग जिन्हें हम बोलते हैं टंग, ये सेंसरी ऑर्गन, ओके। तो इन्हें हम आयुर्वेद में रसेंद्रिय बोलते हैं। तो रसेंद्रिय क्या करते हैं, अलग अलग जो फूड होते हैं उनको टेस्ट करता है, उनको जो ये मधुर रस का है, ये खट्टा है, ये लवड़ रस का है, ये कसेला है, तो ये सभी डिटेक्शन जो होती है इनको डिटेक्ट करना, रस का डिटेक्शन, मेन डिटेक्शन, मतलब जो रस है यानी कि जो टेस्ट है पर्टिकुलर द्रव्य का उसको लेना, ये पर्टिकुलर रसेंद्र का मेन काम है, ये पर्टिकुलर जो टंग है इनका ये मेन काम है, ये इनका विशेष गुण है, ओके। गंध गुण ऑलरेडी मैंने बताया, घ्राण देने का विशेष गुण, आप पर्टिकुलर सब्सटेंस को, आप पर्टिकुलर चीज़ों को आपको आपको स्मेल करो, यानी कि आपने स्मेल किया, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि घ्राण देने का विशेष गुण जो है वो गंध गुण है, वो पर्टिकुलर स्मेल को ही ग्रहण करेगा, वो किसी भी चीज़ को देख नहीं सकता, वो किसी भी चीज़ को सुन नहीं सकता, वो क्या कर सकता है, सिर्फ गंध का ग्रहण कर सकता है, यानी कि घ्राण इंद्रिय का, यानी कि जो जो नोज होती है उनका जो विशेष गुण है वो गंध गुण है, ओके। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैशेषिक गुण बोलते हैं, जिन्हें हम विशेष गुण बोलते हैं। ये टोटल फाइव नंबर के होते हैं, क्वालिटीज ऑफ सेंसेस, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, जिन्हें हम इंद्रिय अर्थ बोलते हैं, तो इंद्रिय के जो विषय होते हैं, इंद्रिय के जो विशेष गुण होते हैं, इंद्रिय के जो अर्थ होते हैं, इंद्रिय के जो वहाँ पे इंद्रिय अर्थ बोलते हैं जिन्हें हम इंद्रिय अर्थ या फिर इंद्रिय अर्थ, तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं पर्टिकुलर सेंसरी ऑर्गन्स के, तो वो क्या होते हैं, वो ये होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जिन्हें हम वैशेषिक गुण बोलते हैं, ओके।
ये हमारा लास्ट स्लाइड रिगार्डिंग अवर टुडेस क्लास। तो आत्मगुण होता है हमारा 16 नंबर रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अभी जितने हमने आध्यात्मिक गुण यानी कि अपोजिट टू दैट जो आदि भौतिक जो हमने गुण देखा वो फिजिकल वर्ल्ड था, वहाँ पे हम शरीर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो आत्मगुण है ये भी शरीर के बारे में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आत्मगुण है मतलब ये आत्मा के गुण हैं, मतलब जो हम आत्मा यू ऑल नो दैट जीवात्मा एंड परमात्मा। ओके, तो परमात्मा इज वन लेकिन जीवात्मा बहुत सारी होती हैं। ओके, तो स्पिरिचुअल वर्ड मतलब आत्मगुण इन्हें बोलते हैं कि हम पर्सन कंडीशन को मतलब ऐसे ये जो गुण बताए गए इन कंडीशन को हम देख लेते कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदा क्लेवर क्वालिटी का है, ये बंदा होशियार है, या फिर वो वहाँ पे जो हम बोलते हैं कि वहाँ पे वो उसके पास ज़्यादा बुद्धिमान यानी कि वो उसके पास नॉलेज नहीं है। तो ये पर्टिकुलर क्वालिटीज़ को हम देख कर वहाँ पर रिकोगनाइज करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटीज ऑफ आत्मा, इट्स हैप्पीनेस सोरोनस डिज़ायर एफर्ट सीन टू द बॉडी डायरेक्टली। ओके, तो इन्हीं गुणों को देखकर हम बॉडी के कंडीशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, बॉडी के कंडीशन को वहाँ पे ग्रहण करते हैं। ओके, तो बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। ओके, तो इंटेलिजेंस जो बॉडी की जो इंटेलिजेंस होती है कि बंदा किसी भी कंडीशन मतलब किसी भी या फिर सपोज कोई भी उसको कंडीशन आई तो वो घबरा गया मतलब वो डर गया, तो यानी कि उसकी जो धी धृति स्मृति यानी कि जो उसकी धी है, धी मतलब उसके पास जो पावर होता है पर्टिकुलर जो उसकी यानी कि मानसिक जो कैरेक्टर होते हैं वो थोड़े से इम्बैलेंस है। ओके, तो आपको ऐसे समझना उसकी बुद्धि हैम्पर है। ओके, यानी कि उसकी जो धी धृति उसके जो मेंटल पावर है इसे भी कमज़ोर है, यानी कि बुद्धि कम होने की वजह से हम ऐसा समझ सकते हैं। सुख मतलब अनुकूल वेदनीयम सुखम मतलब जैसा हमें चाहिए अगर हम वैसा अगर हम हमें मिलता है, या फिर हमें बॉडी से हमारे बॉडी से हम डायरेक्टली आउटसाइड हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम कैसे हैं, हम सुख में हैं या फिर दुख में हैं। तो सुख मतलब जो हमें चाहिए हमें मिल गया, हम सुख में हो गए, अनुकूल वेदनीयम सुखम। ओके, तो जो हमें चाहिए था हमें मिल गया, तो इसे आत्मगुण मतलब हमें चाहिए था हमें मिल गया तो हम खुश होंगे, तो खुश होंगे मतलब हमारे आत्मा जो है अल्टीमेटली वो वहाँ पे वो शो कर रहे हैं कि वी हैव टू नाउ हैप्पी। क्यों? क्योंकि आपको जो चाहिए था वो मिल गया, तो ये अल्टीमेटली जो हम खुश हुए हैं ये आत्मा की वजह से ही ये हमारा हैप्पीनेस बाहर वो शो हो रहा है। ओके, जो दुख गुण है प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। ओके, जो हमें नहीं चाहिए था वो हमें मिल गया, तो बॉडी वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि बॉडी कोई भी चीज़ छुपा के नहीं रखता। ओके, बॉडी अल्टीमेटली वहाँ पे जो आत्मा यानी कि अल्टीमेटली जो हमें चाहिए था वो हमने मन से थिंक किया था तभी हमें वो चाहिए था, डिज़ायर था, क्योंकि अल्टीमेटली डिज़ायर जो था वो डिज़ायर अल्टीमेटली कैसे बना जब हमने वहाँ पे थिंक किया, तो थिंकिंग जो कैरेक्टर है वो वहाँ पे अल्टीमेटली मन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो वहाँ पे जो चाहिए था आत्मा की वजह से हमें नहीं मिला, यानी कि आत्मा को मालूम है कि हमें यह नहीं मिला, तो वो क्या करेगा बॉडी के अंदर दुख डालेगा। क्यों? क्योंकि हमें पर्टिकुलर सब्सटेंस पर्टिकुलर वहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिली, तो प्रतिकूल वेदनीयम दुखम मतलब ये हमें चाहिए था ये हमें नहीं मिला। ओके, तो ये दुख कैरेक्टर की वजह से हमें देखने को मिलता है कि आत्मा दुखी है यानी कि बॉडी दुखी है। ओके, यानी कि बंदा दुखी कंडीशन में है। इच्छा इच्छा मतलब डिज़ायर। ओके, तो जो डिज़ायर रहती है वो हमें वहाँ पे चाहिए रहता है। द्वेष मतलब वहाँ पे किसी भी चीज़ से प्रतिकार करना मतलब वहाँ पे बहिष्कृत करना। ओके, ये फूड चाहिए था अभी नहीं चाहिए क्योंकि हमें व्याधि आ गई है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई कंडीशन होती है, एक स्टेट होता है हमारे बॉडी का कि हमें पर्टिकुलर कंडीशन में हमें ये चीज़ नहीं चाहिए रहता है, हम उसका द्वेष करते हैं, उसको निकालते हैं। ओके, प्रयत्न मतलब होता है प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्चते मतलब जितने भी हम काम करते हैं वो पर्टिकुलर आत्मा को जैसे भी हमें वो काम हो पाता है, क्योंकि जब तक हम हमारा डिज़ायर नहीं होगा हम वेल बींग या फिर आत्मा वहाँ पे अपने जो फॉलो नहीं करेगा कि बॉडी यू डू वर्क। ओके, वो अपने बॉडी को वहाँ पे फॉलो उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, तो अंटिल अनलेस हम प्रयत्न नहीं कर पाते, तो प्रयत्न जो गुण है वो आत्मगुण है, प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उचित। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग आवर टुडेज क्लास, हियर वी डिस्कस दैट लॉट डिस्कशन ऑफ द गुरुवादी गुण। ओके, तो गुरुवादी गुण परादि गुण देन वैशेषिक गुण एंड आत्मगुण, दैट इज टोटली वी हैव डिस्कस द कंपेरिजन दैट क्लासिफिकेशन ऑफ होल द
गुण ओके मतलब गोड़ियते आमंत्रित लोक अनिनित गुड़ा ओके तो दैट इज ऑल अबाउट द रिगार्डिंग अवर टूडेज क्लास होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स थैंक यू